गाइस आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ दैट इज अबाउट द लीगल मैक्सिम्स और लीगल वोकैबुलरीज जो लॉ के अंदर जो काफी सारी टर्म्स होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं आपके रेगुलर लॉ के अंदर और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई बार आपके DU के एग्जाम में आ भी चुका है डायरेक्ट आपसे मीनिंग पूछ लिया जाता है या फिर एक मीनिंग आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा जिसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा लीगल मैक्सिम है या वो किस टर्म को डिनोट करता है तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोगों को काम करना है और हम काफी सारे लीगल मैक्सिम्स को काफी सारे लीगल वोकैबुलरीज को जो जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारे एरिया को डिमार्केट मैंने कर लिया है और उसको हम कवर करेंगे बस हम एक दो मिनट में काम स्टार्ट करते हैं फिर सिंगल में बहुत सारे हैं प्राची रानी क्या मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या बोला PDF बिल्कुल मिल जाएगी जी आपको PDF मिल जाएगी जो लीगल मैक्सिम आप जो PPT मैं करा रहा हूँ उसी का आपको PDF प्रॉपर मिल जाएगा लीगल मैक्सिम का ओके गाइड सिंगल की बात कर रहे हो आप PDF जो PPT आपको मैं अवेल करा देता हूँ वो आपको PPT है जो मिल जाएगी हाँ जी और वोकैबुलरी वगैरह हाँ वो सारा आज मैं कवर कराऊंगा वो सारी चीजें चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहला एक्टस नॉन फेसित रियम निसी मेंसित रियम Actus non facit rium, nisi mensit rium. तो आपको पता होगा कि क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक तो होता है आपका mens rea और एक होता है आपका actus reus. Mens rea आपका इंटेंशन होता है जिसकी वजह से आप वो क्राइम करने जा रहे हो वो जो एक्टिव एलिमेंट है ना जो अगर आप इंटेंशन की डेफिनेशन पूछेंगे कि सर इंटेंशन क्या होता है क्राइम के अंदर तो वो इंटेंशन एक ऐसा एक्टिव एलिमेंट है जो आपको वो पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है जो वो पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आपको वो चीज करनी है आपको उसे मारना है या आपको उसको हर्ट पहुंचाना है या आपको उसको किडनैप करना है तो वहां पे इंटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हालांकि कुछ ऑफेंसेस भी होते हैं जो कि मेंस रिया न्यूट्रल होते हैं मेंस रिया न्यूट्रल होते हैं वहां पे आपकी मेंस रिया चेक नहीं करी जाएगी कि आपका क्या इरादा था क्या इंटेंशन एग्जिस्ट करती थी नहीं करती थी अगर आपने वो काम कर दिया तो वो आपका ऑफेंस ऑटोमेटिकल बन जाएगा ध्यान रखना कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो मेंस रिया न्यूट्रल होते हैं जैसे कि आपका किडनैपिंग तो अब पॉइंट आता है कि जो क्राइम है क्राइम का जो सबसे बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर दो एलिमेंट आपको दिए गए हैं कि आपका एक क्रिमिनल इंटेंट होना चाहिए और उस क्रिमिनल इंटेंट के बाद जब आपका एक इंटेंशन फॉर्म हो गया तो आपने उसके बाद क्या किया आपने एक एक्ट परफॉर्म किया इन परजुएंस इन फर्दरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल इंटेंशन कि जो इंटेंशन आपके दिमाग में फॉर्म हुई उसके बाद आपने वो एक्ट परफॉर्म किया मैं एक एग्जांपल देता हूं लेट्स सपोज आपको कि आज मैंने सोचा कि मैं इसको घर में घुस के मारूंगा मैंने मेरे दिमाग में एक इंटेंशन थी कि आज मैं इसको घर में घुस के मारूंगा और मैंने एक मजबूत सा डंडा अपने हाथ में ले लिया और मैं डिसाइड कर चुका मेरा एक इंटेंशन फॉर्म हो चुका एक्टिव एलिमेंट मेरे दिमाग में ही है कि मेरे को आज इसको घर में मारना है और मैं ये सोच के उसके घर में घुसा
और मैंने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया, तो द मोमेंट मैंने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया तो मेरा जो क्रिमिनल इंटेंट था, जो मेंस रिया था, वो जुड़ गया मेरे एक्टस रियस से और मैंने क्राइम के जो दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट हैं उनको कर दिया कंप्लीट। उनको क्या कर दिया मैंने? कंप्लीट कर दिया। ध्यान रखना, क्रिमिनल लॉ के अंदर मोटिव रेलिवेंट नहीं होता। मोटिव क्या होता है जरा वो भी बता देता हूं। मोटिव होता है कि आप अगर किसी को मारने गए हो तो आप क्यों किसी को मारने गए हो। पॉइंट समझ रहे हो? मैं एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज कोई मेरे ऊपर, मेरी फैमिली पे अटैक करता है और मेरे किसी फैमिली मेंबर को जान से मार देता है, और मैं इस मोटिव लेके कि उसने मेरी फैमिली मेंबर को जान से मारा, इस ऑब्जेक्ट, इस रीजन की वजह से मैं उसको जान से मार देता हूं, तो कल को मैं कोर्ट में ये नहीं कह पाऊंगा कि साहब मेरा मोटिव ये था कि भाई उसने मेरे फैमिली मेंबर को मारा, मैं उसके फैमिली मेंबर को मारूंगा। तो उस केस में कोर्ट सिर्फ इतना चेक करेगा कि आपकी इंटेंशन थी मारने की। हाँ जी साहब, इंटेंशन तो थी मेरी मारने की। क्या आपने एक्शन परफॉर्म किया? एक्टस रियस हुआ? हाँ जी साहब, एक्टस रियस भी हुआ। तो अगर वो हो गया तो इसका मतलब आपने क्राइम कमिट कर दिया। योर मोटिव इज इररिलेवेंट टू द क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस, योर मोटिव इज इररिलेवेंट टू द क्रिमिनल लॉ। तो वही चीज ये मुहावरा कहने की कोशिश कर रहा है कि एक्टस नॉन फेसित रियम निसी मेंसित रिया, कि अगर आपका एक्शन और आपका इंटेंट नहीं है तो कोई क्राइम नहीं हो सकता, ये चीज कह रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि कुछ चीजें मेंस रिया न्यूट्रल भी होती हैं आपकी, कि अगर आपने वो, अगर मान लीजिए किडनैपिंग आपने कर दी, तो उस केस के अंदर आपने किडनैपिंग जब मोमेंट आपने कर दी तो उस केस में वो मेंस रिया नहीं चेक हो गई, या फिर आपने कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, ऑब्सीन को किताब छाप दी, तो आपका इंटेंशन नहीं था वो ऑब्सिनिटी फैलाने का, बट स्टिल उस केस के अंदर आपका ऑफेंस बन जाता है। तो ये वाला डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगली पे चलते हैं। डोली इनकैपैक्स, डोली इनकैपैक्स आपका सेक्शन 82 और सेक्शन 83 के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। कहां पे होता है? इंडियन पीनल कोड में। इंडियन पीनल कोड में अगर आपको पता हो, आपने आई होप स्टडी किया होगा, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक आपकी जनरल एक्सेप्शंस होती है। क्या है? जनरल एक्सेप्शंस। सेक्शन 76 से लेकर जनरल एक्सेप्शंस। अब देखिए, कानून में ना, क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर एक चीज कही जाती है कि जब तक किसी व्यक्ति को आप बियॉन्ड द, हां जी जनरल डिफेंसेस है, बिल्कुल गिल्टी माइंड एंड एक्ट चेतना, एकदम सही बोल रहे हो आप शुभम कुमार, जनरल डिफेंसेस है बिल्कुल, आपकी जनरल डिफेंसेस बोल लीजिए, जनरल एक्सेप्शन बोल दीजिए, सॉरी एक्सेप्शन डिफेंसेस इज अप्रोप्रिएट, हालांकि एक्सेप्शन यूज हो जाता है बट डिफेंसेस इज बेटर। हाँ, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर पॉइंट क्या होता है कि जब आप अगर किसी को मारते हो या फिर आपको क्राइम करते हो, तो आपका जो गिल्ट है ना, लॉ कहता है कि उसको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट किसको प्रूफ करना पड़ता है क्रिमिनल लॉ में? प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ता है। ध्यान रखना, क्योंकि क्राइम इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, क्राइम इज नॉट ओनली द क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ये तो सिविल लॉ नहीं है। क्रिमिनल लॉ के अंदर क्राइम इज अ क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी, इट शॉक्स द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन आपका गिल्ट प्रूफ करना पड़ता है, मगर बियॉन्ड द रीजनेबल प्रूफ करना पड़ता है। 76 से 106 के अंदर आपको कुछ डिफेंसेज हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, मगर एक चीज ध्यान रखना कि लॉ उन डिफेंसेस को एब्सेंट प्रिज्यूम करता है। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब एक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे मैंने वो क्राइम किया, जिस टाइम पे मान लीजिए मैंने किसी को मारा, तो मेरा वो डिफेंस जो 76 से 106 में फॉल करता है वो एग्जिस्ट करता था। अगर वो चीज आप प्रूव नहीं कर पाए, मतलब एक्यूज्ड प्रूव नहीं कर पाया अदालत में ये चीज, तो लॉ इस चीज को प्रिज्यूम नहीं करता, लॉ इसको एब्सेंट मान के चलता है। पॉइंट समझ में? हालांकि प्रोसिक्यूशन पे इक्वल बर्डन है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करूं, प्रोसिक्यूशन को आपका गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है, और अगर वो आपका गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं करता तो आप बच जाएंगे, आप एक्विट हो जाएंगे। शुभम कुमार, हां जी, तो उस केस के अंदर, तो अब ये जो सेक्शन 82 है और 83 है, 82 बात करता है कि अगर आपकी उम्र 7 साल से नीचे है, और 83 बात करता है 7 और आप 7 साल से ऊपर और 12 साल तक आपकी उम्र है, तो वहां पे, यहां पे तो मैच्योरिटी देखी जाती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफेंस है या नहीं, और यहां पे तो 7 साल से नीचे वाले के केस में तो यही मान लिया जाता है कि ये बच्चा
क्राइम कर ही नहीं सकता, ये चाइल्ड इतना दिमाग के अंदर सोच ही नहीं सकता, इतना इरादा कर ही नहीं सकता कि ये इरादतन किसको एक क्राइम कर दे, ये चीज एब्सेंट मानी जाती है कि उसके अंदर वो जो इंटेंशन है ना वो इंटेंशन पनप ही नहीं सकती 7 साल से नीचे के बच्चे में। तो दैट इज व्हाट वी से डोली इनकैपेक्स, कि द पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम, द पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजिशन कि वो एक इंटेंट फॉर्म कर पाए किसी क्राइम को करने का, उस क्राइम की ग्रेविटी को समझ पाए, तो वो आपका डोली इनकैपेक्स के अंदर आ जाता है, जो कि सेक्शन 82 और 83 के कॉन्टेक्स्ट में आपका यूज होता है। हाँ जी, डोली एक तरह से डॉल की तरह होते हैं, गलती कर नहीं सकते। हाँ जी, कंप्लीट इम्यूनिटी बिलो 7 ईयर, बिल्कुल 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 चेतना, बिल्कुल कंप्लीट इम्यूनिटी, और 7 साल से 12 साल के अगर वो बीच में है तो उस केस के अंदर अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि उस बच्चे को उस नेचर ऑफ ऑफेंस की अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, उसको प्रॉपर जेल हम तभी भी नहीं भेज सकते, हम उसे जुवेनाइल ही भेजेंगे। पॉइंट समझ रहे हो मेरा, कि आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं कोई नहीं क्राइम हो गया तो हम इसको जेल भेज देंगे, नॉर्मल जेल हम उसे फिर भी नहीं भेजेंगे, हम उसे भेजेंगे जुवेनाइल वाले होम में ही, उसको रेमेडियल होम में ही भेजेंगे। मगर यहाँ पे पॉइंट ये है कि 7 साल से नीचे के बच्चे में हम ये एज्यूम ही नहीं करते कि ऐसा वो बच्चा कुछ कर सकता है, लेकिन 7 से 12 साल में हम ये देखते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी मैच्योरिटी कैसी है उस बालक की। क्योंकि हो सकता है कि एक 10 साल का बच्चा इंडिया के अंदर बहुत समझदार हो। एक एग्जाम्पल देता हूं, पार्शियल इम्यूनिटी, बिल्कुल 7 से 12 साल में, बिल्कुल 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 पार्शियल इम्यूनिटी। प्रोसिक्यूशन वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं, प्रोसिक्यूशन आपका सरकार हो गई जो आपको सजा दिला रही है, जो आपको प्रोसिक्यूट करवाएगी उस चीज के लिए, उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए, वो प्रोसिक्यूशन हो गया। आप कभी भी क्रिमिनल लॉ में केस देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रमेश। तो वो स्टेट हमेशा केस करते हैं, बिकॉज दैट इज द प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसिक्यूशन वाली साइड, वो आपको सजा दिलवाने के लिए। चलिए अगले में चलते हैं, नॉन कंपोज मेंटिस, इसका हम इस्तेमाल करते हैं अनसाउंड माइंड के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में? अनसाउंड माइंड के लोगों के कॉन्टेक्स्ट। आपको पता होगा 84 आपका एक जनरल डिफेंस है कि आप अगर आपको ये बात नहीं पता थी क्राइम करते वक्त कि आप क्या कर रहे हैं, आपको नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता था, आप अपने होश में नहीं थे, आपको वो चीज पता ही नहीं, आप अनसाउंड माइंड की वजह से या आपकी ल्यूनेसी की वजह से या आप एक इडियट हैं, आपको नेचर ऑफ द ऑफेंस ही नहीं पता कि आपने क्या किया, किसी को मार दिया, तो उस केस में आप ये 84 का डिफेंस ले सकते हैं। और 84 को मैकनॉटन रूल्स के नाम से भी बहुत फेमसली जाना जाता है। तो ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति साउंड माइंड का नहीं है तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, नॉन कंपोज मेंटिस। अब आते हैं अगले पे, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। देखिए, एक सेक्शन 95 हमारा बनाया हुआ है जिसके अंदर हम ट्रिवियल, जो छोटे मोटे छोटे हार्म को हम हार्म ही कंसीडर नहीं करते। लॉ कहता है कि अगर कोई ऐसी चीज हुई जहां पे हार्म नेग्लिजिबल है या हार्म है ही नहीं, तो वहां पे आप पे ऊपर कोई क्राइम बनाने का, आपके ऊपर कोई ऑफेंस का चार्ज बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आपने, अगर मान लीजिए किसी को प्यार से ऐसे थप्पड़ मारा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे अपने प्यार से बस थप्पड़ मारो, वो आपके खिलाफ केस लेके पहुंच गया कि साहब मेरे को तो हर्ट किया इसने, 319 लगवाने की, 319 का हर्ट आपके खिलाफ बोलने लगा वो कि इसने मेरे को हर्ट किया, और उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना उसको चोट लगी, ना उसको कोई मार्क्स के निशान है, कुछ भी नहीं, बड़े प्यार से आपने उसको ऐसे किया। तो लॉ कहेगा कि यहाँ पे सेक्शन 95 लग जाएगा, क्योंकि ट्रिवियल और छोटे छोटे हार्म के लिए हम ऑफेंसेज नहीं बना सकते, वहां पे जनरल डिफेंसेज अप्लाई हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 95 सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन पीनल कोड में, हम इस मुहावरे को यूज करते हैं, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। विच रूल किस कॉन्टेक्स्ट में तपस्या पूछ रहे हैं, रूल मतलब, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। हाँ जी, लेट्स मूव टू द अनदर। Now this is important. आप लोगों को PNJ के बारे में जानकारी होगी, Principles of Natural Justice. Administrative law जब आप जाके पढ़ेंगे, जब आप LLB के अंदर जाएंगे तो एक सब्जेक्ट आएगा Administrative law करके, वहां पे आपको इस वाले मैक्सिम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा,
नेमो डेबेट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा मैग्नेशन रूल आई डिडंट गेट योर पॉइंट इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर टॉकिंग. हाँ जी, नेमो डेबेट एस जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, ये वाला जो आपका मैक्सिम है, ये मैक्सिम आपका कहता है नो वन शुड बी अ जज हिज ऑन कॉज. इसका मतलब कि कल को कोई कटघरे में है, कल को किसी के खिलाफ केस हुआ है और वही बंदा उस चीज को डिसाइड करने के लिए बैठ जाएगा, तो वो तो सीधा सीधा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है. वो तो सीधा सीधा दैट इज अ ग्रॉस वायोलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस. व्हाई दैट इज अ ग्रॉस वायोलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस? बिकॉज दैट्स अ बट ऑब्वियस फैक्ट कि अगर मैंने आप पे इल्जाम लगाया और आप ही फैसला करेंगे कि वो इल्जाम सही है या वो इल्जाम गलत है, तो उस केस में देर आर हाई चांसेस कि आप हमेशा अपने फेवर में फैसला करेंगे. देर आर चांसेस कि आप वो फैसला मेरे फेवर में आने ही नहीं देंगे. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं. लेट सपोज मेरे ऑफिस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का एक एम्प्लॉय ने कंप्लेन फाइल करी. अब सेक्सुअल हरासमेंट की जो कमिटी बैठी, उस कमिटी का हेड वही बंदा था जिसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्ज बने, तो क्या यहां पे ये बंदा इस पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट के कॉज में जज बन सकता है? क्या ये डिसीजन मेकर बन सकता है? नो, बिकॉज उस पे ये वाला लीगल मैक्सिम नेमो डेबिट एस जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा अप्लाई हो जाता है और ये कहता है कि आप अपने ही कॉज में, अपने ही केस में, अपने ही इशू मैटर के अंदर अगर आप जज बन जाएंगे तो दैट इज अ क्लियर केस ऑफ बायसनेस. और ये वाला जो पर्टिकुलर रूल है ना आपका, ये रूल कहलाता है रूल अगेंस्ट बायस. This is not a rule of bias. This is a rule against bias. तो वो जो biasness का जो element है ना, उस particular element को की existence ना रहे principles of natural justice के अंदर, तो इसी वजह से हम ये maxim को interpret करते हैं. अगली चीज, that is not a magnation rule, that is a McNaughton rule. मेरे को स्पेलिंग ही आपने अलग लिखी है magnation, मैं वही सबसे सोच रहा हूं कि ये क्या magnation आपने लिखा. That is a McNaughton rule. मैं आपको बता चुका हूं section 84 में उसे McNaughton rule बोलते हैं. That is not called magnation rule. McNaughton rule बोलते हैं उसको. मैं स्पेलिंग आपने लिखी ऐसी कि मेरे को आइडिया नहीं लग रहा था कि आपने क्या लिखा है. McNaughton rule कहते हैं उसको. ये मैकनॉटन का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि सेक्शन 84 के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है. कहां पे? आईपीसी. किसके रिगार्डिंग? अनसाउंड माइंड के रिगार्डिंग वाले लोगों के. और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका नॉन कंपोज मेंटिस के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. क्लियर पॉइंट आपका? अब आपका आई होप क्लियर हो गया होगा. हाँ जी, दैट इज अ मैकनॉटन रूल. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. नाउ दिस इज द नेक्स्ट मैक्सिम. मैं आपके डाउट थोड़ी देर बाद ले लूंगा. आप लोग डाउट अभी 10 मिनट बाद देना ताकि मैं अपना कुछ टॉपिक भी करा दूं पहले, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीजें करनी है. एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिथियो एक्सियो, एक्सियो जैसे भी प्रोनाउंस करिए. इनको प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है मुझे, बट नो इश्यूज. हमें कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी लानी है. ये मैक्सिम क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिए. नो राइट ऑफ एक्शन कैन हैव द ओरिजिन इन फ्रॉड. इसका मतलब ये कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो पहले दिन से ही इलीगल काम है, तो कल को आपके खिलाफ कुछ गलत होता है. आप मतलब कौन? जो खुद गलत काम कर रहा है, जो खुद इलीगल काम कर रहा है, जो खुद फ्रॉड कर रहा है, उसके खिलाफ अगर कल कुछ गलत होता है, तो क्या वो अदालत में जाकर, क्या वो कोर्ट में जाकर अपना क्लेम ले सकता है? क्या वो कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को एनफोर्स करा सकता है? क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, क्या वो उस एग्रीमेंट के बेसिस पे अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है? लॉ कहता है नहीं कर सकता है. पॉइंट समझ में? एक्स डोलो मालो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स डोलो मालो नाम आप जैसे भी याद रखना चाहें. तो ये वाला लीगल मैक्सिम ये कह रहा है कि जब खुद गलत करते हो ना, तो उसके बाद खुद के पास, खुद के साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो अदालत मत पहुंच जाना. मैं एग्जांपल देता हूं.
आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम में, और आपको पता होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन 370 के अंदर आपका आईपीसी में एक ऑफेंस और बहुत सीरियस ऑफेंस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हुआ कुछ यूं, ये दो व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मिले हुए और ये मतलब इंसानों को सप्लाई करते हैं स्लेवरी के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, लड़का लड़की सब सप्लाई करते हैं, आपस में लोग ट्रेड करें कंट्री से बाहर कंट्री से अंदर ये काम करते हैं। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। ध्यान रखना ये जो एग्रीमेंट है ना इनके बीच में, दैट इज एन इलीगल एग्रीमेंट, बिकॉज ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एग्रीमेंट को सरकार मान्यता नहीं देती। अगर आपको कल को पकड़ा गया ये तो इसको 14 साल की जेल है, ध्यान रखना। तो अब हुआ क्या कि इसके ना कुछ 5 करोड़ रुपए रह रहे थे जो इसको लेना था। कितने? 5 करोड़ रुपए इसको लेना था। अब ये दूसरा बंदा 5 करोड़ देने से मना कर रहा है। अब क्योंकि ये दूसरा बंदा 5 करोड़ देने से मना कर रहा है तो ये पहुंच गया अदालत। तो वहां पे अदालत बोलेगी कि भैया ये लीगल मैक्सिम पढ़ के आयो नहीं आयो, एक्स डोलो मालो नॉन ऑडिटुर एक्शियो, कि आप अगर खुद ही किसी इलीगल काम में हो, किसी इलीगल एक्ट के अंदर हो, तो हम आपके कोई सहायता नहीं करेंगे। उल्टा अगर ये क्लेम लेने गया ना अदालत में तो ये खुद जेल चला जाएगा। किस चार्ज में? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्ज में, क्योंकि उस किस्म का एग्रीमेंट प्योरली इलीगल एग्रीमेंट है। उसका स्टेटस तो वॉइड है ही, वर्ड मतलब उसमें कोई लीगल राइट जनरेटेड नहीं है, साथ के साथ वो इलीगल भी है और वहां पे पनिशमेंट डिफाइंड है ऑलरेडी आपके इंडियन पीनल कोड में। तो ये है आपका एक्स डोलो मालो। अब आगे चलते हैं, ऑबिटर डिक्टा। और मैं इसको स्किप कर दिया क्या? एक सेकंड रुकिए, देखता हूं वो ये, सॉरी ये रहा फॉल्स डेमोन्स्ट्रेशियो नॉन नॉसिट, ये बता देता हूं। फॉल्स डेमोन्स्ट्रेशियो नॉन नॉसिट ये क्या होता है पहले उसको समझते हैं। लेट सपोज मैंने एक गिफ्ट डीड बनाई, मैं कहानी से बता देता हूं आपको। एक गिफ्ट डीड बनाई और उस गिफ्ट में मैंने लिखा कि मैं अपनी जमीन, मेरी जो जमीन है जो कि नजफगढ़ में है, जो कि 100 गज की है, वो जमीन मैं अपने भतीजे को दे रहा हूं, मैं अपने नेफ्यू को वो जमीन गिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने गिफ्ट डीड बनाया और मैं गिफ्ट डीड बना के मर गया। अब हुआ क्या कि गलती मेरे से क्या हो गई कि यहां पे ना वो जमीन एक्चुअली मैंने नजफगढ़ में थी, जहां पे लोके लिखी थी उसी के आसपास ही जमीन थी, मगर ये जो गिफ्ट डीड मैंने बनाई थी ना, यहाँ पे ना 100 गज की जगह जो प्रॉपर्टी एक्चुअली में 120 गज की प्रॉपर्टी है, लेकिन बनाने में गलती हो गई। तो अब लॉ कहता है वहां पे ये वाला जो मैक्सिम है ये रूल करता है, फॉल्सा डेमोन्स्ट्रेशियो नॉन नोसेट, ये कहता है कि अगर आप किसी एग्रीमेंट के अंदर कुछ गलत डिस्क्रिप्शन दे भी देते हैं और दूसरे बातों से ये पता चल जाए कि वो चीज वहां पे है तो वो चीज वैलिड रहेगी। ये चीज कहने की कोशिश करा जा रहा है कि इफ अ रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइटम इन अ लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे विल हो गया, जैसे गिफ्ट डीड हो गया, तो उस केस में अगर कोई डिस्क्रिप्शन में गलती हो भी गई तो भी आपका जो वो चीज है ना वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। मगर कब तक वैलिड रहेगा? कि बाकी बातों से ये पता चल जाए कि वो चीज वैलिड थी। मतलब कि जमीन नजफगढ़ में थी, बिल्कुल थी जी, जमीन का एड्रेस प्लॉट का जो था बिल्कुल दिया था सही, बस गलती साहब ये हो गई कि जमीन में ना जो 100 गज लिखना था ना वहां एक्चुअली 120 गज की प्रॉपर्टी थी, वो गलती से लिखा गया, अब वहां पे रॉन्ग डिस्क्रिप्शन चला गया, तो क्या पूरे के पूरे गिफ्ट डीड को वॉइड डिक्लेयर कर दे? नहीं, यहां पे अप्लाई हो जाएगा लीगल मैक्सिम फॉल्सा डेमोन्स्ट्रेशियो नॉन नोसेट। और वो क्या कहेगा कि छोटी मोटी अगर डिस्क्रिप्शन में एरर है ना तो उससे आपका पूरा डॉक्यूमेंट विशिएट नहीं होगा, वो रहेगा। लेकिन शर्त क्या है कि बाकी बातें जो लिखी हैं उस डॉक्यूमेंट में उससे उस चीज की असलियत पता चलनी चाहिए, उससे ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये आपके फेवर में ही था, उससे ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये आपके लिए ही था, तभी उस केस के अंदर हम उसको मानेंगे, अदरवाइज हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। याद क्लियर है यहां तक पॉइंट? अब चलते हैं अगले पे। एक्स डोलो मालो अपना हो गया, अब आते हैं ऑर्बिटर डिक्टा पे। ये आपके फादर हैं, ये आपके फादर ना आपको कई चीजें जिंदगी में सिखाते हैं, कई चीजें बोलते हैं, कुछ चीजें आप पे बाइंडिंग होती है और कुछ चीजें आपको बस सजेशन के लिए दे देते हैं, बेटा करना चाहिए तुझे, बेटा कर लेना, मतलब कर सकता है तू, अपना ओपिनियन दे देते हैं।
तो वहां पे जो चीजें बाइंडिंग हो जाती है आप पे, वो तो आगे मैं बताऊंगा, वो रेशियो या स्टेयर डिसाइसिस बनता है, आगे मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जो चीजें फादर ना ऐसे ही आपको ओपिनियन दे देते हैं ना, अपना अपना सजेशन फादर दे देते हैं जो कि आप पे नॉन बाइंडिंग है, तो उस केस के अंदर वो चीज कहलाती है ऑर्बिटर डिक्टा। अब इस कहानी को हम डालते हैं, हमारे फादर हैं सुप्रीम कोर्ट, या अगर मैं स्टेट की बात करूं तो हाई कोर्ट भी फॉर दैट मैटर, और सन है हम सारे जो सब्जेक्ट है ना हम सिटीजंस, कि अगर एक जजमेंट में जज साहब ने अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस किया, यहाँ स्क्रीन पे देखिए, अगर एक जजमेंट में जज साहब ने अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस किया किसी जजमेंट के अंदर, और वो ओपिनियन आपका बाइंडिंग नहीं है, एसेंशियल नहीं है जजमेंट में, तो वो प्रेसिडेंट नहीं सेट होगा। प्रेसिडेंट का मतलब कि कल को अगर कोई दूसरा फैक्ट सेम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे अगर ऐसी को दोबारा केस आया, तो उसमें हम ये ओपिनियन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ सजेशन की फॉर्म था। वो सजेशन मानी भी जा सकती है, वो सजेशन नहीं भी मानी जा सकती है। तो दैट सजेशन इज कॉल्ड योर ऑर्बिटर डिक्टा। एंड इज दैट सजेशन बाइंडिंग? नो, सजेशन नॉट बाइंडिंग, सजेशन इज नॉट बाइंडिंग। तो आपके पापा अगर जो आपको सजेशन देते हैं तो मान के चलिए वो तो आपने माननी नहीं है कभी, क्योंकि वो ऑर्बिटर डिक्टा है। अगला आते हैं रेशियो डेसिडेंडी। नाउ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में जब आप LLB में जाएंगे और आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे पढ़ाई करेंगे ना अपनी, तो आपको कई बार टीचर जो प्रोफेसर होगा आपको बोलेगा कि रेशियो क्या लेट डाउन है, मुझे उस जजमेंट की रेशियो बताओ। रेशियो का मतलब होता है रीजनिंग, लॉजिक, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। रीजनिंग या लॉजिक जिसके बेसिस पे कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, क्या लॉजिक था जो कोर्ट ने वो डिसीजन दिया। मैं इसको आपको एक केस के साथ समझाता हूं। तो रेशियो डेसिडेंडी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पे पहुंची है, तो आप पूछेंगे ना कि साहब क्या सोच के ये फैसला दिया आपने, क्या ग्राउंड्स थे आपके, क्या लॉजिक था आपका ये फैसला देने का। उस केस में जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी रुको मैं बता रहा हूँ, फैसला बताता हूँ, ग्राउंड्स बताता हूँ, तो वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट आपको रीजन देगी ना, वो लॉजिक देगी, दैट लॉजिक इज कॉल्ड योर रेशियो डेसिडेंडी। और ये जो रेशियो अप्लाई होता है ना, ये आपकी इंफीरियर कोर्ट्स पे अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर पास किया किसी जजमेंट को, तो वो सारी की सारी कोर्ट जो इंडिया के अंदर है, मतलब हाई कोर्ट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सब पे अप्लाई हो जाएगा उन पर्टिकुलर फैक्ट्स में। अब ये रेशियो कैसे वर्क करता है, मैं एग्जांपल देता हूं। आधार की जजमेंट आई पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पे कोर्ट ने ना एक लॉजिक दिया। कोर्ट ने आधार की जजमेंट में ना कुछ सेक्शंस को ना स्ट्राइक आउट कर दिया। अगर आपको याद हो कि एक टाइम पे आपको अपना सिम कार्ड भी आधार नंबर जोड़ा, आपको अपना बैंक अकाउंट भी, तो बैंक अकाउंट वाला तो रह गया, सिम कार्ड वाला खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो वाला जो सेक्शन था ना, इवन की जो बच्चे एडमिशन कराते हैं स्कूल में, तो वहां पे भी आधार कार्ड नंबर से जोड़ना था पेरेंट्स का, उसको भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे लॉजिक पता क्या दिया, रेशियो क्या ले डाउन करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट डज नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि जो कानून है दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करने की, और जितना कानून बनाया, कानून थोड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा है, और कानून ना हमारी प्राइवेसी को कुछ ज्यादा ही इन्वेड कर रहा है, तो इसलिए वहां पे वो जो सेक्शंस थे ना उसके अंदर, आधार एक्ट के अंदर आपके, उनको हटा दिया गया। मगर जहां पे सब्सिडी सप्लाई हो रही थी, जैसे गैस की सब्सिडी, जैसे राशन कार्ड की सब्सिडी, वहां पे आधार कार्ड आज भी मैंडेटरी है, उसको नहीं हटाया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट पर्टिकुलर सेक्शन और दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द लॉ स्टैंड्स द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, और जिसको हम टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक पे इस आधार केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, इस लॉजिक पे आधार केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो हम कह सकते हैं दैट इज अ रेशियो डेसिडेंडी। सुप्रीम कोर्ट का ये लॉजिक था, दैट वाज द ग्राउंड फॉर द डिसीजन। अब अगले पे चलते हैं, क्विड प्रो को। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तेमाल होता है काफी ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है आपका कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन को आप प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। लेट सपोज कि मान लो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आई चार्ज अ पर्टिकुलर फीस फ्रॉम यू, तो वो आपके, आपने मुझे कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड करी, ठीक है। कंसिडरेशन कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको मॉनेटरी वैल्यू में, या तो मनी हो
या तो उसको मॉनेटरी वैल्यू में आप डिटरमाइन कर पाओ, दैट कैन बी एनीथिंग। कंसिडरेशन रियल भी होना चाहिए, इल्यूजरी मनगढ़ंत काल्पनिक कंसिडरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, दैट कैन नॉट बी द कंसिडरेशन। तो लॉ ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक लॉ है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि इसका मतलब अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एसेंशियल्स ऑफ अ कंसिडरेशन कहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का रहना जरूरी है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आपके सेक्शन 25 के अंदर जो कहते हैं कि बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, मगर ये क्विड प्रो को क्या है, क्विड प्रो को कहता है समथिंग इन रिटर्न। कि कंसिडरेशन जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना दो लोगों के बीच में, एक पार्टी प्रॉमिस पूरा करती है और दूसरी पार्टी कंसिडरेशन देती है। बात समझ में आई? तो दैट इज समथिंग इन रिटर्न, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब अगर आप अपने दोस्त के लिए बर्थडे पार्टी में उसकी कुछ लेके गए सामान, और आपका दोस्त आपके लिए गिफ्ट लेके रेडी है कि ये लड़का आएगा, चलो यार मेरे को 10,000 की घड़ी दे रहा है तो मैं भी इसको 500 रुपया कुछ तो दे ही दूंगा, तो अगर आपका दोस्त कोई रिटर्न गिफ्ट लेके रेडी है तो उसको हम क्विड प्रो को बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग इन रिटर्न। तो इसको हमने इसलिए कंसिडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। अब अगले पे चलते हैं, अल्ट्रा वायर्स। देखिए, आपको ना जब कोई पावर दी गई हो या कोई अथॉरिटी दी गई, कोई पावर दी गई हो या कोई अथॉरिटी दी गई हो और आप उस पावर से ज्यादा यूज कर लें, एक्सेस में चले जाएं, दैट बिकम्स अल्ट्रा वायर्स। अगर आप अपनी पावर के जितनी शक्तियां आपको मिली है उसके अंदर काम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा वायर्स। पावर के अंदर इंट्रा वायर्स, पावर से बाहर गए तो अल्ट्रा वायर्स। पावर का ज्यादा इस्तेमाल किया, अल्ट्रा वायर्स। पावर को एक्सेस में यूज कर लिया, अल्ट्रा वायर्स। कंपनी के डायरेक्टर लोग ना, एक डॉक्ट्रिन कंपनी लॉ के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। होता क्या है, कई बार ना कंपनी के डायरेक्टर लोगों की जो पावर होती है ना, वो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर मेंशन होती है। अब अगर उस आर्टिकल्स में जो पावर डायरेक्टर की मेंशन है, अगर डायरेक्टर उस पावर से ज्यादा काम कर ले तो वो चीज कहलाती है डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। और उससे पता क्या होता है, कंपनी लायबल होने से अपना पल्ला झाड़ लेती है। कंपनी लायबल होने से बोलती है, भैया मेरे अकाउंट से कोई पैसा नहीं काटना, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स में तुझे पावर पहले से मेंशन करके दिया था, डायरेक्टर के पास पावर पहले से थी। क्यों किया पावर को एक्सेस, क्यों पावर का एक्सेस यूज किया, किसने बोला था? तो दैट इज कॉल्ड। लेकिन अगर डॉक्ट्रीन, अगर वो सेम डायरेक्टर अपनी पावर के लिमिट में रह के काम करता है, अपनी पावर से ज्यादा कुछ नहीं करता, जितनी पावर मिली है, मान लीजिए डायरेक्टर को 10 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट बनाने की पावर मिली है, डायरेक्टर हमेशा 10 करोड़ के नीचे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, इंट्रा वायर्स। डायरेक्टर 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बना गया, अल्ट्रा वायर्स। पावर के अंदर इंट्रा, पावर से ज्यादा अल्ट्रा, पावर को एक्सीड कर दिया अल्ट्रा, पावर को एक्सीड नहीं किया इंट्रा। अगला, राइट इन रेम। समथिंग फॉर समथिंग, बिल्कुल कंसिडरेशन में, बिल्कुल बिल्कुल प्राची रानी आप सही था। चलिए, राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब देखिए, प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो उस प्रॉपर्टी पे आपका सबसे बेस्ट टाइटल होता है। अगर वो आपने प्रॉपर्टी चोरी नहीं करी है, अगर वो आपने प्रॉपर्टी फ्रॉड में नहीं खरीदी है, अगर वो आपने रियल ऑनर से परचेज करी है, तो उस प्रॉपर्टी पे आपका सबसे बेस्ट टाइटल होता है, सबसे बेस्ट राइट होता है, सबसे पक्के कागज अगर आपके पास है तो। ठीक है, और दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर सबसे पक्के कागज क्या होते हैं, रजिस्ट्री कराना। हालांकि सेल डीड से, दिल्ली में आधे से ज्यादा काम सेल डीड से होता है, क्योंकि दिल्ली में कॉलोनिया ऑथोराइज नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं होती। कुछ एरियाज में अब शुरू हो गया है, बट पूरे इंडिया में बाकी जगह पे रजिस्ट्री का काम चलता है, तो रजिस्ट्री का सबसे पक्का कागज होता है। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी पे जो आपका अधिकार है ना, वो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड कहलाता है। मतलब पूरी दुनिया में अब वो अधिकार आपसे कोई नहीं ले सकता, पूरी दुनिया में अब वो राइट आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो राइट जो टाइटल है आपका उस प्रॉपर्टी पे, दैट इज द बेस्ट टाइटल,
क्यों? क्योंकि दैट इज बेस्ड अपॉन द मोस्ट ऑथेंटिक एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स. तो वो चीज आपको एक राइट इन रेम प्रोवाइड करता है. रेम मतलब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के खिलाफ आपका सबसे बेस्ट राइट. मतलब मैं पूछूंगा कि इस पूरी दुनिया में इस पर्टिकुलर काम के रिगार्डिंग किसका सबसे बेस्ट राइट है, इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसका सबसे बेस्ट राइट है. तो अगर कोई बोलेगा नहीं भानु का इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, तो दैट इज अ राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. अगला, राइट इन पर्सोनेम, पर्सनल राइट और राइट अराइजिंग ऑफ द पर्सनल एग्रीमेंट. देखिए, आप एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं अगर किसी को, एग्रीमेंट टू सेल ना, यहां पे सेल नहीं हुई है, यहां पे एग्रीमेंट किया है कि बेचूंगा. कब बेचूंगा? फ्यूचर में बेचूंगा, ध्यान रखना. अभी नहीं बेच रहा, सेल डीड नहीं बना रहा मैं, आपके साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा. सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना देता तो उसे राइट इन रेम कहते हैं, ध्यान रखना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ राइट इन रेम, क्योंकि उस केस में वो गुड्स आपके पास आ गई और वो आपका राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड हो जाता है. मगर जब मैंने सिर्फ एग्रीमेंट किया कि मैं एग्री हुआ हूं कि आपको मैं बेचूंगा किसी फ्यूचर डेट पे, और अभी बेचा नहीं है, तो वहां पे वो कहलाता है राइट इन पर्सोनेम. वो आपका सिर्फ एक पर्सनल राइट है उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग जिससे आपने अभी एग्रीमेंट किया है. हाँ, कल को अगर वो आपको प्रॉपर्टी जब बेच देगा तो वो कहलाएगी राइट इन रेम, जब वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी. जिसका मतलब कल को आप उसके साथ जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो वो राइट इन रेम बन जाएगा. मगर क्योंकि आपने सिर्फ एग्रीमेंट कर रखा है ना, तो वो एग्रीमेंट टू सेल है, तो राइट इन पर्सोनेम है. पर्सोनेम मतलब पर्सनल, पर्सनल, ठीक है. रेम मतलब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. पर्सोना नॉन ग्राटा, ये आपका हाउस है, ठीक है. अब आपके कई सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपको बड़े पसंद है कि वो आपके घर पे आए, और कई ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपको बिल्कुल उतना जम नहीं रहा यार, नहीं आए, बस वो थोड़ा दूर रहे, थोड़े डिस्टेंस पे. ये वाले रिश्तेदार थोड़े डिस्टेंस पे रहे, जब आते हैं ना तो पूरी नेगेटिविटी फैला देते हैं, पूरा माहौल खराब कर देते हैं घर का. अब कई ऐसे रिश्तेदार भी होंगे आपके. अब सवाल आता है कि जो रिश्तेदार आपके लिए वेलकम, मतलब आप जिनका वेलकम नहीं करना चाहते, जो आप मतलब जिनको आप पसंद नहीं करते, वो रिश्तेदार आपके हो जाते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा. मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ध्यान रखना ये इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट है, यहां पे हम ये जो टर्म है ना, ये मैक्सिम है, हम उन लोगों को डिनोट करने के लिए बोलते हैं जो हमारे देश में अनएक्सेप्टेबल हैं और अनवेलकम हैं. क्या है? अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम. हम उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर देते हैं. ये इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट है. देखिए, हर देश एक दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल लॉ में ट्रेड, मतलब एक ट्रीटी करता है, एक एग्रीमेंट करता है कि आपका बंदा हमारे देश आ सकता है, चाहे वो वीजा ऑन अराइवल में आए, चाहे वो पहले वीजा के लिए अप्लाई करे. जैसे अमेरिका है, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है. मगर कुछ देश ऐसे हैं जहां पे वीजा ऑन अराइवल भी हो जाता है, जैसे भूटान हो गया, वहां पे वीजा ऑन अराइवल हो जाता था, या फिर थाईलैंड हो गया फॉर दैट मैटर, तो वहां पे वीजा ऑन अराइवल से काम चल जाता था. मगर कुछ देश आपको वीजा पहले देना पड़ता है. लेकिन आप किसी दूसरे के देश गए और वो देश आपको पसंद नहीं कर रहा, वो देश बोल रहा भाई ये बंदा हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, हमें नहीं पसंद ये रिश्तेदार, भगाओ इसको, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोना नॉन ग्राटा. इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है ये. और मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ. यूनाइटेड नेशन ने वेनेजुएला के जो कंसुलेट जनरल थे, वेनेजुएला का जो यूएस में कंसुलेट था, वहां पे जो जनरल थे मियामी के अंदर, उनको डिक्लेयर कर दिया था पर्सोना नॉन ग्राटा और कहा कि भाई आप अपने ये अमेरिका छोड़ के अपने देश जाओ, वेनेजुएला जाओ, हम आपको अपने देश में नहीं रख सकते. क्या रीजन हो सकते हैं किसी को? मान लीजिए आप दूसरे के देश में बैठ के दूसरे के कुछ बोल रहे हैं, वहां पे अखबारों में एडिटोरियल लिख रहे हैं दूसरे देश के खिलाफ, वहां पे रिश्ते खराब कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? आपको डिपोर्ट ही तो करना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा. तो अगर हमने आपको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया, तो आप उस टाइम के लिए, जब तक आपके ऊपर ये स्टेटस है, आप हमारे देश में नहीं आ सकते. पैक्टा सन सर्वंदा, पैक्टा सन सर्वंदा, ये भी एक इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है. पहले मैं इसको आपको आसान सी भाषा में समझाता हूं, फिर इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग समझाऊंगा.
आपने मेरे से पूछा सर विल यू टीच मी, मैंने बोला यस ऑब्वियसली। आपने मुझसे पूछा सर आप मुझे पढ़ाएंगे, मैंने बोला बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको, क्यों नहीं पढ़ाएंगे हम, हमारा तो काम है पढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जब मैं आपके साथ ये एग्रीमेंट कर रहा हूं, जब मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, या यू बोलिए आसान सी भाषा में कि जब मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूं, तो सलमान खान भी कहते थे कि एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी वो अपने आपकी भी नहीं सुनते। दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट इन पैक्टा संत सर्वेंडा दैट टॉक्स अबाउट कि अगर दो देश किसी बायलेटरल एग्रीमेंट में है या फिर किसी भी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में, मल्टीलेटरल मतलब जिसमें कई सारे देश आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। और अगर दो देश आपस में कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, जैसे इंडिया यूएस का न्यूक्लियर पैक्ट हुआ, तो दैट इज अ बायलेटरल एग्रीमेंट। मगर इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया और जापान ये अगर को साथ में को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट बना रहे, दैट इज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। तो वहां पे अगर वो कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो उसको फॉलो करें, कमिटमेंट को फॉलो करें, कमिटमेंट को फुलफिल करें और कमिटमेंट पे रहें, अपनी कमिटमेंट से नहीं मुकरें। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैक्टा संत सर्वेंडा। ये क्या कहता है कि गुड फेथ ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर है कि जो ट्रीटी रिलेशंस की स्टेबिलिटी है ना, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट सपोज हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया कि आप हमारे बॉर्डर में नहीं घुसेंगे और हम आपके बॉर्डर को नहीं छुएंगे। हाँ जी, तो मैंने अगर अपने नेबरिंग कंट्री के साथ बोला कि आप हमारे बॉर्डर में हाथ मत लगाना और हम आपके बॉर्डर में नहीं जाएंगे, हमने एग्रीमेंट किया, दैट इज अ बायलेटरल एग्रीमेंट। अब हुआ क्या कि बार बार वो बॉर्डर में घुस रहे हैं, बार बार बॉर्डर में घुस रहे हैं, बॉर्डर के एकदम कभी 4 फीट आगे आ जाते हैं, कभी 5 फीट आगे आ जाते हैं, कभी 10 फीट आगे आ जाते हैं। तो वहां पे वो पैक्टा संत सर्वेंडा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वाई वो फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट कहता है, जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का पैक्टा संत सर्वेंडा, ये यही कहता है कि साहब अगर एग्रीमेंट बनाया है ना तो फॉलो भी कर लो, थोड़ा मान भी लो, कमिटमेंट फुलफिल भी कर लो। तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा पैक्टा संत सर्वेंडा वाला। अब आगे चलते हैं, लेक्स एस्ट, लेक्स एक लैटिन वर्ड है जहां पे लेक्स का इस्तेमाल होता है, एस्ट, एस्ट को हम इट इज कहते हैं, ठीक है। लेक्स जहां पे भी दिखेगा लॉ, जब आप कल को लॉयर बनेंगे तो आपको कितनी सारी दिल्ली में लॉ फर्म मिलेगी जहां पे लेक्स वर्ड से इस्तेमाल होता है। लेक्स वर्ड तो ऐसा कॉमन वर्ड है एडवोकेट्स के लिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर यूज होता है। लॉ इज अ रूल ऑफ राइट, ये राइट आपका राइट लेफ्ट वाला राइट नहीं है, ये कहता है कि लॉ जो बनाया गया, लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी, लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी, नॉर्मा मतलब होता है नॉर्मेटिव से निकला है, जो नॉर्म्स होते हैं ना आपके कि समाज के कुछ नियम हैं उसको कहते हैं। तो यहां पे ये मैक्सिम कहता है, लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी कहता है कि लॉ इज अ रूल ऑफ राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कानून जो है ना वो क्या राइट है, क्या जस्ट है, जस्ट मतलब क्या इंसाफपूर्ण होगा, क्या जस्ट है सोसाइटी के लिए, क्या बढ़िया रहेगा, क्या सही रहेगा, लॉ उस चीज का बनता है, लॉ वो चीज होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, कई सारे देशों में एबॉर्शन इलीगल है, आपको कई सारे देशों में एबॉर्शन लीगल है और कई सारे देशों में एबॉर्शन इलीगल है, इवन कि जैसे 3 महीने के बाद आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। तो वहां पे उस देश का जो लॉ बनाने का कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर वो बोल रहे हैं कि अबॉर्शन को इलीगल कर दो, ठीक है, अबॉर्शन अगर को करा रहा है तो वो इलीगल है, अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तब तो लीगल है, मगर अदर नेट वैसे अबॉर्शन नहीं कराने देंगे आपको, ठीक है। तो वहां पे वो लोग समझते हैं कि अबॉर्शन कराना शायद गलत है, समाज को एक गलत मैसेज देता है, इसीलिए उन्होंने वहां पे लॉ जो बनाया वो ये कहा कि अबॉर्शन इलीगल है। मगर कई देश ऐसे हैं जो अबॉर्शन को लीगल कहते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, वुमेन की कंसेंट जरूरी है कि वो चाइल्ड बियर करना चाहती है नहीं करना चाहती, तो वो उस देश की थ्योरी है, पॉइंट समझ रहे हो। तो वहां पे उस देश में लेक्स एस्ट नॉर्मा रेक्टी क्या है कि वहां पे जो राइट है, राइट मतलब जो जस्ट है, जो जस्टिस है वहां पे, वो ये है कि अबॉर्शन लीगल होना चाहिए। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जो कहते हैं अबॉर्शन इलीगल हो, तो वो अपने हिसाब से ये सोचते हैं कि वहां पे क्या राइट है, राइट मतलब क्या जस्ट है, क्या फेयर है, किस चीज से सोसाइटी को जस्टिस मिलेगा। That is called your lex est norma recti. अगला,
ऑडी अल्ट्रम पार्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीएनजे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपको अगर याद हो जजमेंट वाली सीरीज मैंने आपको बताई थी जजमेंट वीडियो में, मेनका गांधी की जजमेंट आपको अगर याद हो 1978, जो आर्टिकल 21 के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था और कहा था कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हमेशा से संविधान में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का रूल कहते हैं, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, ये आपका बॉस है और ये है आप एम्प्लॉय, ठीक है। अब हुआ क्या, बॉस एक दिन सुबह सुबह आया, हाउ आर यू एम्प्लॉय, आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, भाई कल से मत आना। एम्प्लॉय ने पूछा, साहब क्या हो गया, मेरे को क्यों निकाल रहे हो आप? तो बोला, नहीं बस आपकी मुझे मजा नहीं आया, आपको देखता हूं ना मेरा दिन खराब हो जाए, रीजन ही नहीं, बस मेरा अभी मन कर रहा है, ऐसे निकाल दिया आपको। तो एम्प्लॉय ने पूछा, रीजन तो आपको देना पड़ेगा। तो बॉस बोलता, नहीं दूंगा मैं रीजन। तो क्या यहां पे बॉस को रीजन देना पड़ेगा? यस, बॉस को रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ऑडी अल्टरम पार्टम का रूल कहता है कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो आपको सामने वाले को अपनी बात रखने का, सामने वाले को अपनी बात कहने का भी मौका देना चाहिए। आप उसको रीजन भी देंगे, पॉइंट समझ में, आप उसको ग्राउंड बताएंगे और सामने वाले को सुनेंगे। दैट इज योर रूल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम, कि यहां पे बॉस पहले रीजन देगा और बॉस जब रीजन दे देगा तो बॉस इंप्लॉय का पक्ष भी सुने। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम, दैट इज इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि आर्टिकल 21 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट इज योर लेक्स फोरी, नेक्स्ट इज योर लेक्स फोरी। देखिए लेक्स फोरी कहता है द लॉ ऑफ द कोर्ट इन विच द केस इज ट्रायल। लेक्स फोरी का सीधा सीधा मतलब है कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है उस जगह पे, पर्टिकुलर वहां पे वो चीज अप्लाई हो जाएगी। हाँ, आर्टिकल 21, बिल्कुल कृति गुप्ता, हाँ आर्टिकल 21 का पीएनजे से डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ जी, तो लेक्स फोरी आपका कहता है कि वो जो लॉ ऑफ द कोर्ट है जहां पे मैटर ट्राई होगा, मतलब जो जुरिसडिक्शन है वहां पे जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है उन मैटर्स में जहां पे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज एक टाइम पे आपके इंडिया के लॉज जेएनके पे अप्लाई नहीं होते थे, तो जेएनके के लिए इंडिया के लॉज उस टाइम पे लेक्स फोरी नहीं है। क्यों लेक्स फोरी नहीं है? क्योंकि पहले जो आर्टिकल 1 लिखे होते थे ना कानूनों में, वो ऐसे होते थे, दिस लॉ शैल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जेएनके, इस तरीके से लॉ के लैंग्वेज मेंशन होती थी। तो वहां पे उस टाइम पे जेएनके में वो लॉ अप्लाई इसलिए नहीं होते थे क्योंकि वहां पे उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, लेक्स फोरी एग्जिस्ट नहीं करता था। एमिकस क्यूरी, आप एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, और आपको केस लड़ना है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपको एक लॉयर अपॉइंट करके देगा उस व्यक्ति के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा। रीजन क्या हो सकता है, भैया पुअर है बहुत ज्यादा, ठीक है, आपके पुअर होने की वजह से आप एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो कोर्ट एक आपको एमिकस क्यूरी अपॉइंट करके दे देगा और एमिकस क्यूरी आपके लिए फ्री में केस लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम जितनी भी पीआईएल डलती है वहां पे एमिकस क्यूरी मैक्सिमम अपॉइंट होते हैं, क्योंकि अगर वहां पे जो लिटिगेंट है उसके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, वो मैटर को हैंडल ही नहीं कर सकता, इतना लीगल एक्सपेंस बियर ही कर सकता, तो कोर्ट क्या करेगी, वो ठीक है हम एक आपको एमिकस क्यूरी अपॉइंट करके दे देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, सीपीसी के अंदर आपका प्रोविजन है इंडिजेंट पर्सन का, कि अगर आपकी एसेट 1000 रुपए से कम है और अगर आप बहुत गरीब हैं तो आप सिविल केस के लिए भी एक वकील अपॉइंट करके फ्री में दिया जा सकता है।
सीआरपीसी के अंदर प्रोविजन है बकायदा, कहता है कि अगर आप नहीं अपना केस लड़ सकते तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से एक वकील अपॉइंट करके देगी, बिकॉज राइट एमिकस क्यूरी को सरकार सैलरी कौन देगा? एमिकस क्यूरी को कोर्ट ही, जो उसकी रेम्यूनरेशन बनेगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष कुमार, हाँ जी सीने दिए, साइन डाई भी कह सकते हैं आपको, सीने दिए इसको कह लीजिए। हाँ देखिए, आपके जो लीगल सर्विस, मैं बता देता हूं, वैसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है ना स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल दोनों पे, क्योंकि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी है नालसा और स्टेट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी होती है, जैसे दिल्ली के अंदर डालसा है, तो ये एडवोकेट्स को फ्री में एडवोकेट्स को अपॉइंट करने का काम करती है और फिर ये अपने ट्रेजरी से वो पैसा देती है, ये अपने फंड से पैसा देती है एडवोकेट्स को, दिल्ली के अंदर पैसा मिलता है अगर वो फ्री में किसी का केस लड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीने दिए या साइन डाई भी आप इसको बोल लीजिए नॉर्मल इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में। अगर आप किसी चीज को इनडेफिनेटली, ये वर्ड ध्यान रखना, अगर आप किसी चीज को अनिश्चित काल के लिए इनडेफिनेटली आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, आपने कोई डेट नहीं बताई और उसको कहेंगे सीने दिए, मतलब ये हुआ कि कल को मान लीजिए लोकसभा का सेशन चल रहा है और एमएलएज ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा हंगामा मचाना शुरू कर दिया एमएलएज ने, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि वहां जो लोकसभा के स्पीकर थे ना, उन्होंने बोला कि इस मैटर को, इस सेशन को सीने डीए करा जा रहा है एडजर्न, और वहां पे टाइम नहीं बताया अनिश्चित काल के लिए। यहां इनडेफिनेटली वर्ड आपके क्वेश्चन में आ सकता है, इनडेफिनेटली उसको सस्पेंड कर दिया, उसको एडजर्न कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो उस केस के अंदर हम ये वाला मैक्सिम, जब किसी चीज को इनडेफिनेटली हम पोस्टपोन कर देते हैं, हमको डेट सेट नहीं करते, क्या सेट नहीं करते हम, डेट सेट नहीं करते, डेट सेट नहीं करते, तो वो चीज आपकी ये कहलाती है, साइन डाई कह लीजिए, साइन दिए कह लीजिए, जो भी कहना। अगला डिफेक्टो, इंडिया के अंदर जो पावर है वो पावर आपकी ना संविधान में देखेंगे तो वो सारी पावर ना प्रेसिडेंट के नाम पे लिखी होगी। इमरजेंसी लगाएगा, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, स्टेट में इमरजेंसी लगानी है, प्रेसिडेंट ऑन द रिसीट ऑफ द गवर्नर्स रिपोर्ट। अगर आपको एग्जीक्यूटिव पावर दे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट काम होगा प्रेसिडेंट के नाम पे, सेशन नया बुलाया जाएगा तो प्रेसिडेंट एक एड्रेस देगा, हर चीज में प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। मगर एक्चुअली में जो पावर का कंट्रोल है, एक्चुअली में जो पावर का होल्ड है, वो किसके हाथ में? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, पीएम के हाथ में, हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप ले सकते हैं एग्जांपल। डी फैक्टो जो एक्चुअल में लीगल, अगर वर्ल्ड बाय वर्ल्ड लॉ में जाए तो वहां पे तो वो पावर मेंशन में कंट्रोल जिनके हाथ में है, दैट इज कॉल्ड डी फैक्टो। अब मैं पट्टी देखिए, एक कॉन्सेप्ट है आपका, हेड ऑफ काउंसिल प्रेसिडेंट इज अ डीजो, डीजो अगला ये कराने वाला हूं, वो ये है कि वो कानून में माइट बी वर्ल्ड, यहां पे सेक्शन 41 के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑस्ट्रेलिया को एक डी फैक्टो लैनेज नहीं करता, मेरा बिलिंग भी वही करता है, कानून की नजर आ रहा हूं अगला ये। लेकिन तो कल को अगर मेरा बंदे से कवर कहलाएगा, अब अगला का जो हेड, जो आप प्रेसिडेंट जॉइंट में प्रेसिडेंट लेकिन डिफैक्टो जिसके मगर आपकी मौसी ने पाला सब कुछ है, तो वो फैक्टो, मगर डिफैक्टो गार्जिला प्राइमा फेसाई, तो लाइट सामने से मैंने ये शर्ट पहनी, शर्ट इज द प्राइम, पहला इंडा हो सकता है कि आपको, हो सकता है जो पढ़ रहा है ना इसी, इसको जो इन्फॉर्मेशन में थोड़ी करना शुरू कर दिया, पुलिस फैशनेबल इन्फॉर्मेशन 154, ये बिलीव था कि एक कॉग्निज किडनैपिंग हो, ऑपरेशन हो सकता, क्या अपीयर हो रहा है माफिस पे, जो सामने से हो सकता है इसकी बिलीफ गलत हुई, जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था मैंने काम कर। चलिए अब अगले पे चलते, 5000 मैक्सिमम इंपॉर्टेंट वर्ड वोकैबुलरी, इंग्लिश मैक्सिमम व्यू से बात करूं, वोकैबुलरी बोला भाई मैंने, कभी डर मत जाना, तो पर्सनलिस्ट उस बात खत्म, केस को चलाना चल सकता है, अगर आपके खिलाफ वो चार्ज लगा हुआ वेट हो जाना, क्या अपडेट? बिल्कुल, पुलिस तैयारी, स्टेट करता है एंटरिंग द चार्ज, है कि आपके मरने ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव भी उस केस को चाहिए हो जाता है, वो चीज उसी टाइम पे कट ऑफ एक्शन, खत्म बात, टॉट के अंदर आपके खिलाफ केस चल रहा था, आप मर गए, केस खत्म, क्योंकि एक्शियो पर्सनलिस्ट मॉरिक्यूल कम एक्टस क्यूरी नेमिंग, इसका मतलब है एन एड नो मैन, अब इतने
बोनाफाइड एंड मालाफाइड। बोनाफाइड अगर आप कोई चीज गुड फेथ में करते हैं, मालाफाइड अगर आप कोई चीज बैड फेथ में करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप फ्रॉड करते हैं तो आपका इंटेंशन था फ्रॉड करने का, मालाफाइड इंटेंशन। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन जो होती है दैट इज अ बोनाफाइड थिंग। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी सर, एक्यूज जो होता है वो कोर्ट के नजर में इनोसेंट होता है, गिल्टी। एक्यूज हमेशा कोर्ट के नजर में तब तक इनोसेंट होता है जब तक उसका गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ना प्रूव कर दिया गया हो। दैट इज अ पार्ट, दैट इज अ लॉ ऑफ द क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस एंड द क्रिमिनल लॉ। बोनाफाइड मतलब आपने गुड फेथ में, कि लेट सपोज आप किसी की मदद करना चाहते थे, डॉक्टर है ठीक है, डॉक्टर किसी को बचाना चाहता है, वो मर गया, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो, डॉक्टर ने गुड फेथ में बचाना चाहा, मर गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डॉक्टर ने जानबूझ के वहां पे उसको मारा, मालाफाइड, बैड इंटेंशन, दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड मालाफाइड। अगला मेंस रिया एंड एक्टस रिया, बता चुका हूं आपको सबसे पहली चीज, मेंस रिया, यहां पे स्पेलिंग मेंस रिया, आपका क्रिमिनल इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन, और एक्टस रियस आपका एक्ट जो आपने उस क्रिमिनल इंटेंशन के लिए किया हो। ठीक है, मेंस रिया और एक्टस रियस आपको पहले ही बता चुका था आपको, पहला जो मैंने मैक्सिम कराया था। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर, कॉजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर। इसका मतलब है कि जब हम कभी भी कोई केस करता है तो वहां पे सबसे क्लोज कॉज क्या है, क्लोज कॉज मतलब क्लोज रीजन क्या है वो ढूंढते हैं, ना कि रिमोट रीजन, ना कि रिमोट रीजन। रिमोट मतलब जो दूर का रीजन है ना केस करने का, उससे कोई लेना देना नहीं अदालत को। अदालत को देखना है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है ना वो कितना पास है, कितना रिलेटेड है। पॉइंट समझ में आया मेरा? मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। लेट सपोज आपने मेरे पैसे नहीं दिए और मैंने आपके खिलाफ केस कर दिया, तो आपने मेरे पैसे नहीं दिए, मैंने आपके खिलाफ केस किया, दैट इज अ क्लोज कॉज, मतलब बहुत ही करीब कॉज है, कि मतलब ये रीजन था एकदम वैलिड है। लेकिन आपने मेरे को पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से मैं अपने भाई की शादी में नहीं जा पाया, उसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, और क्योंकि मेरी इंसल्ट हुई तो मैंने आप पे केस कर दिया, तो दैट इज अ रिमोट कॉज, क्योंकि उस कॉज का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनेगा। लॉ कहता है कि भैया जब हम एक्शन करते हैं, कोर्ट में कोई केस लेते हैं, तो हम कोई क्लोज कॉज ऑफ एक्शन देखते हैं, ना कि रिमोट कॉज ऑफ एक्शन, कि आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए थे, उसकी वजह से मैं स्कूल की फीस नहीं दे पाया, तो प्रिंसिपल ने मेरे को डांट दिया, मैं रोता रोता आया, मैं रोता रोता घर पे जब आया तो मैंने घर का सामान तोड़ दिया, तो सामान तोड़ने का पैसा भी आपसे लूं? नो, आई कैन नॉट टेक, बिकॉज दैट इज अ रिमोट कॉज, दैट इज नॉट अ क्लोज कॉज। तो कॉजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर यही कहता है कि हम हमेशा प्रोक्सीमेट, बगल में, पास में, वो वाले कॉज को से कंसर्न है, ना कि रिमोट कॉज से। पॉइंट समझ में आया? उससे हमें लेना देना। कैवियट एम्प्टर, कैवियट एम्प्टर का अपोजिट है कैवियट वेंडर। कैवियट एम्प्टर कहता है लेट द बायर बिवेयर, कि बायर को सावधान होने दो, जब कोई सामान की क्वालिटी अच्छी है खराब है ये बायर खुद देख लेगा। कल को बायर खराब अच्छी क्वालिटी का, मान लो एक लेस की चिप्स है और एक डायमंड का चिप्स है, बायर डायमंड का चिप्स लेके चला गया, लेस का लेके चला गया, उसको मजा नहीं आया, तो वो सामान वापस नहीं होगा। क्यों नहीं वापस होगा? क्योंकि बायर को सावधान होने दो। लेट द बायर बिवेयर का मतलब कि बायर खुद देखो सामान, खुद जांचो सामान। मगर इसका अपोजिट भी होता है, वो देख लीजिए, कैवियट वेंडर, जिसको कैवियट वेंडर भी बोलते हैं। लेट द सेलर बिवेयर, कि कुछ ड्यूटीज सेलर पे भी हैं, वो बायर के भरोसे नहीं है। जैसे कि अगर सेलर सैंपल से सामान बेच रहा है और सैंपल से सामान मैच नहीं किया, सेलर की गलती। सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन से सामान मैच नहीं किया, सेलर की गलती। सेलर एक ब्रांड नेम के अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिटी बेच रहा है, वो क्वालिटी मैच नहीं कर रही, सेलर की गलती। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जहां पे बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, जहां पे आपका सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वहां पे लग जाएगा कैवियट वेंडर। कैवियट वेंडर का अपोजिट क्या है? कैवियट एम्प्टर। एम्प्टर में कौन सावधान? बायर। वेंडर में कौन सावधान? सेलर। वेंडर का दूसरा नाम ही सेलर होता है। अगला, ये मैं आपको टॉट की क्लास में कराऊंगा वैसे, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमेज हुआ मतलब पैसे का नुकसान हुआ, मगर कोई लीगल राइट नहीं हार्म हुआ। इंजूरिया मतलब कोई लीगल राइट का हार्म नहीं हुआ, साइन मतलब विदाउट, ठीक है। तो
डैमेज तो हुआ मगर इंजरी नहीं हुई, कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, कोई लीगल राइट नहीं छिना। जैसे कि मेरा कॉम्पिटिटर सामने बिजनेस लगा लेता, मेरे को पैसे का नुकसान होगा मगर मैं उस पर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डैमेज हुआ मुझे पैसे की टर्म्स में, मगर मेरा कोई लीगल राइट थोड़ी छीना उस बंदे ने, उसका भी तो लीगल राइट है बिजनेस करने का, तो वो कर रहा है अपना बिजनेस। तो दैट इज कॉल्ड डैमनम साइन इंजूरिया। इसका जस्ट अपोजिट है, इस पे मैं केसेस कराऊंगा टॉट की क्लास में, इंजूरिया साइन डैमनम। लीगल राइट आपने मेरा हार्म किया, भले ही मुझे कोई डैमेज ना हुआ, भले मेरे को पैसे का नुकसान नहीं है, भले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मेरे को आपने लीगल राइट छीना। जैसे कि मैं वोटिंग करने जा रहा था, आपने मुझे वोट नहीं डालने दिया, तो मेरा लीगल राइट है ना वोटिंग का, आपने मेरा लीगल राइट छीना, आपकी गलती। और आपने मेरा लीगल राइट अगर छीना है तो भले ही मुझे कोई भी पैसे का लॉस नहीं हुआ, मगर आपके ऊपर मैं केस कर पाऊंगा और अपना कॉम्पेंसेशन ले पाऊंगा, क्योंकि आपने मेरी लीगल इंजरी करी है। मेरा डैमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डैमनम वाले केस में कोई कंपेंसेशन नहीं ले सकता, मगर इंजूरिया साइन डैमनम में कंपेंसेशन ले सकता हूं। अगला है डेलीगेटस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिन लॉ भी कहते हैं इसको। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। देखिए, बंदा नंबर वन, बंदा नंबर टू, बंदा नंबर थ्री, इसने अपने हिस्से का काम इसको दे दिया, तो लॉ कहता है कि अगर इसने अपने हिस्से का काम इसको दिया ना, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। अब ये बंदा अपने काम को, जो काम इसको वन ने दिया है, ये बंदा इसे आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी को पावर दी कि सिलेबस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ डेलीगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी एजुकेशन के रिगार्डिंग, उसने किसको दे दी? एनसीईआरटी को। चलिए, मिल गए एनसीईआरटी को पावर। अब एनसीईआरटी इस पावर को आगे किसी और को बांटेगा नहीं, नो, एनसीईआरटी के पास राइट नहीं है। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अलग से ऑथराइज कर रखा है कि अगर आपसे नहीं बन रहा सिलेबस तो आप किसी और से बनवा लो, तब तो कर सकता है। मगर जनरल जो रूल है वो ये है कि अगर आपको मैंने कोई काम दिया है, आपको कोई वर्क असाइन किया है, तो आप किसी तीसरे बंदे को वो वर्क फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। मतलब अगर काम यहां से आया यहां, तो यहां से यहां नहीं जाएगा। हाँ, अगर सेपरेट अथॉरिटी है तो जा सकता है। अगला, एक्सप्रेसियो उनियस एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, अ प्रिंसिपल इन स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन। देखिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 के अंदर आपको अगर पता हो तो फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। सिटीजन्स मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा जैसे आर्टिकल 21 है, वहां पे फंडामेंटल राइट पर्सन को अवेलेबल है। तो ये पर्सन और सिटीजन में क्या फर्क है? पर्सन कोई भी हो सकता है, पर्सन आपका सिटीजन नहीं भी हो सकता, बाहर वाला फॉरनर भी पर्सन होगा, मगर सिटीजन आपके भारत का नागरिक ही होना चाहिए। तो आर्टिकल 15, 16 और 19 के अंदर जो लॉ की लैंग्वेज है वो फंडामेंटल राइट सिटीजन को देता है, वो रिजर्वेशन का राइट सिटीजन को देता है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का राइट सिटीजन को देता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिटीजन को देता है, वो जो वर्ड है सिटीजन के लिए। तो दैट मींस अगर मैंने एक्सप्रेसली सिटीजन वर्ड मेंशन कर दिया, इसका मतलब पर्सन वर्ड ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गया। क्या हो गया? एक्सक्लूड मतलब खुद बाहर हो गया। दिस इज द मैक्सिम ऑफ लीगल मैक्सिम ऑफ एक्सप्रेसियो उनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। इसका मतलब अगर हम कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं, तो अगर कोई चीज मेंशन नहीं है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गई, क्योंकि हमने इसको मेंशन कर दिया। मेरे घर में मेरे तीन भाई बहन, तो मेरे पापा ने बोला कि आज सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन बाहर घूमने जाएंगे, ये लाइन लिख के चले गए। इसका मतलब मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो नहीं जाएगी, क्योंकि स्पेशली मेरे फादर ने अगर दो लोगों का नाम मेंशन कर दिया तो जिसका मेंशन नहीं किया वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए। क्या हो गए? निकल गए, बाहर हो गए। दैट इज दिस मैक्सिम। अगला, एक्सटर्पिकोजा नॉन ऑरिथ्यूर एक्सियो। एक्सटर्पिकोजा नॉन ऑरिथ्यूर एक्सियो। देखिए, आपको टॉट में मैं ये पढ़ाऊंगा, प्लेंटिफ और रॉन्ग डूअर डिफेंस। मेरी गाड़ी, मैं जा रहा था गाड़ी से और प्लेंटिफ गाड़ी से आ रहा था, प्लेंटिफ रॉन्ग साइड से आ रहा था, मेरी गाड़ी ने इसको ठोक दिया।
अब इसने मुझ पे केस कर दिया, इसने केस किया, ये प्लेंटिफ है, मैं बन गया डिफेंडेंट। तो मैंने कोर्ट में बोला कि साहब इनकी खुद की गलती है, रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे थे, मेरी को गलती नहीं है। तो मैंने कोर्ट में डिफेंस लिया अपने आप को बचाने के लिए कि भैया यहाँ जो प्लेंटिफ जो केस करने आया ना अदालत में, ये तो खुद गलत बंदा है, ये तो रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा था और गलती तो इसकी है। तो ये जो मैंने पर्टिकुलर डिफेंस यूज किया, ये मैं आपको टॉर्ट में केस के साथ बताऊंगा, इसको कहते हैं एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिट्यूर एक्शियो, कि जहां पे प्लेंटिफ डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता डिफेंडेंट की वजह से, क्योंकि वहां पे प्लेंटिफ ने खुद गलती करी है, रॉन्ग साइड से तुम चलाओ गाड़ी ठुक जाए तो केस भी तुम ही करो, नो दैट इज नॉट अलाउड। तो प्लेंटिफ अगर डैमेजेस क्लेम करने जा रहा है टॉर्ट के अंदर तो वो चीज अलाउड नहीं है, वो चीज प्लेंटिफ को नहीं मिल सकती, दैट इज वॉट एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिट्यूर एक्शियो। मिसरिप्रेजेंटेशन, इन बोनाफाइड मिसरिप्रेजेंटेशन में कृति गुप्ता ये होता है कि गलती तो हुई है मगर मैंने जानबूझ के इंटेंशनली गलती नहीं करी थी, इसीलिए बोनाफाइड वर्ड का मैंने वहां पे यूज किया था, सेक्शन 18 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका लीगल मैक्सिम, फॉल्सस इन उनो, फॉल्सस इन ओमनीबस, एक जगह, उनो मतलब एक जगह और ओमनीबस मतलब हर जगह। यूजुअली ये होता है कि अगर एक बंदा ना आपको पता चल गया झूठ बोल रहा है ये, तो आप ना उस पर विश्वास नहीं करते, और यही वो मैक्सिम है कि जैसे कि अगर एक व्यक्ति पकड़ा गया अदालत में कि वो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कोई झूठी गवाही दे रहा है, तो अगर उसने और भी एविडेंसेस दे रखे हैं, उसकी बाकी सारी एविडेंसेस पे भरोसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी विश्वसनीयता, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो उस पर ट्रस्ट था, वो बंदा वो ट्रस्ट लूज कर गया, वो विश्वसनीयता लूज कर गया, इसी वजह से ये वाला मैक्सिम बना है, फॉल्सस इन उनो, फॉल्सस इन ओमनीबस। ये क्या कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, गलत जानकारी सप्लाई कर रहा है, तो अगर वो पता चल जाता है कि उसने गलत जानकारी दी, तो उसकी बाकी जानकारियां भी हम खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे। मगर ये वाला इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं? हालांकि इंडिया में रूल ऑफ कॉशन है, रूल ऑफ कॉशन मतलब कि कोर्ट एविडेंसेस को अप्रिशिएट करते वक्त सावधान रहती है कि अगर एक झूठा व्यक्ति है तो उसके बाकी एविडेंसेस को बड़े ध्यान से करो, मगर कोर्ट का कहना है यहाँ पे, कुछ केसेस में होता कुछ में नहीं होता, बट जनरली जो है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता। कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि अगर हम एक व्यक्ति के झूठ पे उसने 10 एविडेंसेस दिए, उसमें से एक गलत था, तो हम तुरंत अगर इस निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि 9 के 9 भी खत्म कर दो, तो हम तो कभी भी एक्यूज का गिल्ट एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाएंगे, हम तो कभी असली मुजरिम को पकड़ ही नहीं पाएंगे, हम तो कभी जस्टिस रेंडर कर ही नहीं पाएंगे। एक तो इंडिया में वैसे ही सबूत तुरंत मिटा दिए जाते हैं, उसमें से अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो हम कैसे काम चलाएंगे। इसी वजह से मैक्सिमम केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस वाले मैक्सिम को यूज इंडिया में नहीं करती, फॉल्सस इन इस इन उनो, फॉल्सस इन ओमनीबस, इसको यूज नहीं करती, इसका इस्तेमाल नहीं करती। चलो अगले पे आते हैं। फ्यूरियोसी नल्ला वॉलंटस एस्ट, फ्यूरियोसी नल्ला वॉलंटस एस्ट। देखिए ये वाला आपके अनसाउंड माइंड जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसके रिगार्डिंग यूज होता है कि जो एक मैडमैन है, एक पागल व्यक्ति है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, वो गलत और सही और गलत के बीच में फर्क कर ही नहीं पाता, उसका दिमाग जो उसकी मेंटल कंडीशन है ना, उसका स्टेट ऑफ माइंड है, वो इस तरीके से डेवलप ही नहीं है कि वो ये समझ पाए कि अगर वो किसी को जान से मार रहा है तो वो क्या है एक्चुअली में, जान से मारने से क्या होगा, वो मर जाएगा तो उसके क्या कंसीक्वेंसेस, उसको पता ही नहीं, उसको आइडिया ही नहीं है। द मैडमैन डज नॉट नो अबाउट द कंसीक्वेंसेस, अ मैडमैन डज नॉट नो अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड, उसको आइडिया ही नहीं है। दैट इज व्हाई फ्यूरियोसी नल्ला वॉलंटस एस्ट कहता है कि ये सेक्शन 84 के कॉन्टेक्स्ट में, जो मैंने आईपीसी में आपको कराया था ना नॉन कंपोज मेंटिस, उसके रिगार्डिंग ही, उसके साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला, जनरेलिया स्पेलिबस नॉन डेरोगेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, ये एक सब्जेक्ट है जो आप लोग एलएलबी में पढ़ेंगे। जनरेलिया स्पेलिबस नॉन डेरोगेंट ये क्या कह रहा है वो समझिए। अगर फर्ज करिए मैंने किसी चीज पे एक स्पेशल लॉ बना रखा, ठीक है, और कल को कोई जनरल लॉ भी आ जाता है जिसके अंदर स्पेशल लॉ के रिगार्डिंग कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जनरल लॉ के अंदर,
तो उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि ये खत्म हो गया, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, ये वैलिड रहेगा। ये जो स्पेशल लॉस स्पेशल सब्जेक्ट से डील कर रहा है ना, मान लीजिए कि एक्सप्लोजन आर्म्स एक्ट है, ठीक है, जो गोलीबारी वेपन वगैरह से डील करता है, तो आर्म्स एक्ट एक स्पेशल लॉ है और उसके रिगार्डिंग कुछ जनरल बातें हमने अपने आईपीसी में भी मेंशन कर दी, तो क्योंकि हमने आईपीसी में भी मेंशन कर दिया उसको, इसकी वजह से आर्म्स एक्ट खत्म नहीं होगा, इसकी वजह से आर्म्स एक्ट रिपील नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। पॉइंट समझ में आया? तो जनरल यूज ऑफ वर्ड से स्पेशल जो कानून है या जो स्पेशल प्रोविजन है वो खत्म नहीं होता, वो नहीं मिटता, दैट इज कॉल्ड जनरेलिया स्पेलिबस नॉन डेरोगेंट। व्हाट इट इज जनरेलिया स्पेलिबस स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। अगला, हाँ जी, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। एक एमएच जॉर्ज का केस है बहुत फेमस, मेयर हैंस जॉर्ज, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर हुआ कुछ यूं कि एक व्यक्ति अपने कोर्ट में 34 किलो सोना कैरी करके ले जा रहा था, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, तो उसने बोला मुझे नहीं पता यहाँ पे स्मगलिंग के लिए क्या कानून है, तो लॉ वहां पे कहती है कि आप अगर इग्नोरेंशिया फैक्टी मतलब होता है फैक्टी मतलब फैक्ट, इग्नोरेंशिया मतलब होता है इग्नोरेंस, अगर आप फैक्ट का इग्नोरेंस करते हैं तो आपको एक्सक्यूज मिल जाता है, मगर ज्यूरिस मतलब होता है लॉ, अगर आप कानून को इग्नोर करते हैं तो हम आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। आप कल को किसी का खून करके, वो शिट यहाँ पे मौत की सजा थी क्या, मैं कसम से, मैं मम्मी कसम, मैं इस बार अगली बार से नहीं मारूंगा, क्या आपको एक्सक्यूज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप राम को श्याम समझ लीजिए, 5,000 का 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, 50,000 का 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, उसमें गलती चलेगी, बिकॉज दैट इज एन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, मगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। कल को आप अगर ट्रैफिक लाइट कूद जाते हैं आपको फाइन देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कसम से नहीं पता था कि यहाँ पे फाइन इतना लगता है, वो आप एक्सक्यूज दे नहीं सकते, लॉ उसको मानता ही नहीं है, बिकॉज लॉ सेज कि अगर आपने लॉ को एक्सक्यूज किया है, लॉ में गलती करी है, लॉ में डिफॉल्ट करा है, तो हम आपको किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगला, इम्पॉसिबिलियम नल्ला ऑब्लिगेशन एस्ट, सेक्शन 15 एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है, जो कि डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी बात करता है। डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है जो घर बैठे आ रही है आप लोगों को, शायद कोरोना वायरस की वजह से कि हम लोगों को निकलने को नहीं मिल रहा, लॉकडाउन है, इतना सारा प्रॉब्लम, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट में कई बार कुछ काम को करना इम्पॉसिबल हो जाता है, कि आप उस एक्ट को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया वो चीज आप इम्पॉसिबल हो गया आपके लिए, तो लॉ कहता है कि इम्पॉसिबल काम को करने का कभी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एग्जाम्पल, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, तो कल को नहीं लाया चांद तारे तोड़ के, तो आप मेरे पे केस कर पाओगे? कोर्ट में जाओगे ना, तो कोर्ट बोले भैया चांद तारे तोड़ के लाना, बेचारा इलॉन मस्क इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, तब जाके उसने आज अब जाके स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी भेजी, और आप ऐसे ही वादे करते फिर रहे हो चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, तो वो चीज एक इम्पॉसिबल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग, तो वो चीज इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो दैट इज द मैक्सिमम ऑफ इम्पॉसिबिलियम नल्ला ऑब्लिगेशन एस्ट। अगला, कोरोना वायरस के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है ये, ध्यान रखना, लेटेस्ट, ये भी आपका सेक्शन 56 से रिलेटेड है, फोर्स मेजोर, ये आपका पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये इस पिछले 3 महीने में इतना ज्यादा लीगल फ्रेटर्निटी में ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। फर्ज करिए आपने किसी को वादा किया और वो वादा वैसे पॉसिबल था, मतलब इम्पॉसिबल काम नहीं था, मगर हालात ऐसे हो गए साहब कि अभी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर ही नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, मूवमेंट कर ही नहीं सकते, बिजनेस कर ही नहीं सकते, ट्रेड कर ही नहीं सकते, तो उस केस के अंदर वो चीज पे फोर्स मेजोर अप्लाई हो जाती है, क्योंकि अभी वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, कुछ ऐसे हालात अभी क्रिएट हो गए हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं, और जिसकी वजह से वो जो मेरे ऊपर लायबिलिटी है ना, जो मेरे को ड्यूटी पूरी करनी थी ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन हाँ, अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो वो चीज पॉसिबल थी, इम्पॉसिबिलियम नल्ला वाले में क्या बताया, वो पहले से इम्पॉसिबल थी, मगर यहाँ पे फोर्स मेजोर के अंदर हालात अभी ऐसे आ गए हैं, इसकी वजह से इम्पॉसिबल हो गया है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पे फोर्स मेजोर अप्लाई हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं।
क्योंकि आपने जो प्रोमिसेस किया वो आप पूरे कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि फोर्स मेजोर है। कोरोना वायरस का क्राइसिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल, और इवन पिछले 3 महीने में ये लीगल फ्रेटर्निटी में काफी ज्यादा यूज होता है। अगला, ये एक इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्ट। सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्ट, देखिए ये कहता है कि हमारा जो कानून है ना, हमारा जो लॉ है वो मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए होना चाहिए, मतलब वो कॉमन गुड के लिए होना चाहिए। कि हमारा जो कानून है उसका जो पर्पस है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। हमारे कानून का, हमारा कानून बेस्ड ही होना चाहिए वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। तो अगर आप वॉइड क्यों हो जाएगा, लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट, चेतना का जवाब मैं दे रहा हूं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए ही था, किसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का यूज ही नहीं है, तो कोर्ट उस टाइम पे वॉइड कर देगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू कर सकते हैं तो कोर्ट उस टाइम पे वैलिड भी रख सकता है, वो डिपेंड करता है केस एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर। चेतना का जवाब मैं दे रहा था, ठीक है आगे। तो सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्ट कहता है कि जो कानून है उसका वेलफेयर ऑफ द पीपल सबसे ज्यादा उसका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सैनिटेशन पे, इन पे जो कानून बनाते हैं, इससे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को बेनिफिट पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन गुड है, हेल्थ एक कॉमन गुड है। आप स्कूल बनाएंगे कल को, मैक्सिमम लोग बेनिफिट करेंगे। आप कल सैनिटेशन की फैसिलिटी अच्छी करेंगे इंडिया के अंदर, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होगा। आप सिक्योरिटी लॉज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंडिया सिक्योर रहेगा। तो उस केस में दैट मैक्सिम अप्लाइज इज सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्ट, ये वाला मैक्सिम अप्लाई हो जाता है। अगला, लेक्स नॉन कॉजित एड इम्पॉसिबिलिया। ये वाला इम्पॉसिबिलियम वाला जो भी मैंने कराया था ना, इम्पॉसिबिलियम नल्ला एस्ट वाला, उसके रिगार्डिंग ये यूज होता है कि लॉ कभी भी फोर्स नहीं करेगा किसी को इम्पॉसिबल काम करने के लिए। मतलब अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको चांद तारे तोड़ के ला दूंगा का प्रॉमिस कर भी दिया, तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट जाएंगे ना, तो कोर्ट मुझे फोर्स करेगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट जानता है चांद तारे तोड़ के लाना तो एक इम्पॉसिबल एक्ट है। और क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल एक्ट है, इस वजह से कोर्ट मुझे फोर्स नहीं कर सकता। तो कौन सा मैक्सिम अप्लाई होगा? लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया, ये वाला मैक्सिम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, नेसेसिटास इंड्यूसिट प्रिविलेजियम कॉड जूरा प्रिवाटा। नेसेसिटास इंड्यूसिट प्रिविलेजियम कॉड जूरा प्रिवाटा, आपका एक डिफेंस होता है सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी जनरल डिफेंसेस के अंदर, नेसेसिटी, कि जहां पे आपको बड़ा नुकसान और छोटा नुकसान दोनों में से कोई एक चुनना होता है, तो आप छोटा नुकसान कर देते हो ताकि बड़ा नुकसान ना हो। पॉइंट समझो, नेसेसिटी इस तरीके से यूज होती है डिफेंसेस में, सेक्शन 81 आईपीसी। तो ये उसी चीज के बारे में है कि कई बार नेसेसिटी में हम ये देखते हैं कि अगर कोई बड़ा नुकसान अवॉइड करना है तो कोई नहीं, छोटा नुकसान कर दो, अलाउड है। मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, छोटा भीम हमारा चुटकी की प्रॉपर्टी में घुस गया, ट्रेसपास कर दिया। ट्रेसपास अपने आप में एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ट्रेसपास आईपीसी में ऑफेंस है, और टॉट के अंदर भी ट्रेसपास एक ऑफेंस है। तो चुटकी के अंदर छोटा भीम हमारा चुटकी के लैंड में घुस गया, चुटकी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और चुटकी का छोटा सा बेटा है राजू। तो चुटकी का छोटा सा बेटा राजू ना, एक तार लटकी हुई थी जिसको वो पकड़ के ऐसे खड़ा था, और उसको कभी भी करंट मारने वाला था, इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता, वहीं मर जाता बेचारा। तो छोटा भीम ने क्या किया, फेंसिंग तोड़ी, पूरी लकड़ी की फेंसिंग की, और प्रॉपर्टी के अंदर घुस गया। ट्रेसपास करा उसने, नो डाउट, लेकिन उसने राजू को बचा लिया। अब लेकिन चुटकी नहीं मानी, चुटकी ने केस कर दिया छोटा भीम पे, जस्टिस फॉर चुटकी। अब हुआ क्या कि जब चुटकी ने छोटा भीम पे केस किया, तो छोटा भीम ने ये डिफेंस लिया कि नेसेसिटास इंड्यूसिट प्रिविलेजियम कॉड जूरा प्रिवाटा, कि साहब यहां पे मैं ग्रेटर हार्म को अवॉइड कर रहा था, और इसीलिए मैंने लेसर हार्म जो प्रॉपर्टी में ट्रेसपास है ये वाला रिस्क ले लिया, और इसकी वजह से मुझे एक प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेजियम का मतलब होता है प्रिविलेज मिला है, कि मैं इतना रिस्क लेने के लिए अलाउ। उन्होंने मना कर दिया, सड़क से मत करना, ये तो पीता खाता है। Because here it works like unnecessary. चलिए अगला, इंटरेस्ट रिपब्लिके, इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिश लिथियम। देखिए
कोई भी ना सरकार कभी नहीं चाहती कि एंडलेस लिटिगेशन हो. क्या हो? एंडलेस लिटिगेशन कोई सरकार नहीं चाहती. कोई सरकार का कोई मतलब नहीं है कि भाई हमेशा सालों तक केस चलता रहे. तो केस खत्म हो हमेशा हर सोसाइटी का ये पर्पस होता है, क्योंकि एंडलेस लिटिगेशन का मतलब अदालत का टाइम खत्म करना, अदालत का वक्त बर्बाद करना, अपना वक्त बर्बाद करना, पैसे बर्बाद करना, एफर्ट बर्बाद करना, और सिर्फ एडवोकेट की अर्निंग करना, और कुछ नहीं होता. तो इसीलिए ये जो इंटरेस्ट रिपब्लिके वाला है, ये आपका रेस जुडिकाटा के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है. मैं आगे रेस जुडिकाटा बताऊंगा अभी. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी टू फिनिश द लिटिगेशन टू सेव द प्रेशियस टाइम ऑफ कोर्ट. ये अदालत का जो वक्त है वो वेस्ट ना हो, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं. और ये वाला जो मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिके वाला, ये हम इसके रिगार्डिंग यूज करते हैं, रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस. अगला नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट. देखिए ये वाला कानून कहता है कि जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो कभी भी बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता. कि जिसके पास जो खुद ही मालिक नहीं है, जैसे चोर, चोर किसी को बेटर टाइटल क्या ट्रांसफर करेगा? चोर ने तो खुद ही चोरी करके वो प्रॉपर्टी ली है. तो नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप एक बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते साहब? क्योंकि आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है. मगर इस वाले रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि अगर आपका एजेंट कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो तो मालिक नहीं है, मगर आपने उसे ऑथराइज किया है ना, वो प्रॉपर्टी वैलिड है, आप उसने वैलिड सेल कर दी. कोई को ऑनर है, उसने वैलिड सेल कर दी. या फिर आपके सामने आप ही की कोई प्रॉपर्टी बेच रहा था, आपने कुछ डिनाई नहीं किया, वैलिड सेल है. पॉइंट समझ में आया? या फिर ऑस्टेंसिबल ऑनर, अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर ये बेच रहा है जो डिफैक्टो ऑनर बेच रहा प्रॉपर्टी और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी, वैलिड सेल है. तो ये कुछ एक्सेप्शन है इस रूल की. कौन सा रूल है? नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट. क्या कहता है ये रूल? कि साहब अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रू ऑनर आप नहीं हो, आप असली मालिक नहीं हो, तो आप वो प्रॉपर्टी आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच नहीं सकते. अगला नॉसितुरा एसोसिस, नॉसितुरा एसोसिस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ये कैसे यूज होता है मैं बता देता हूं. देखिए ये कहता है कि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग जानना है तो आप ये देखिए कि उस वर्ड की कैटेगरी में कौन कौन से शब्द यूज हो रहे हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए किसी कानून में वेपन इस्तेमाल है तो वहां पे डैगर भी एक वेपन हो सकता है, गन भी एक वेपन हो सकती है, राइफल भी एक वेपन हो सकती है. तो यहां पे हम जितना वर्ड एंटर करना चाहे, जितना वर्ड डालना चाहे, हम ये देखेंगे कौन सी कैटेगरी है, उसके आगे कौन से शब्द लगे, उसके पीछे कौन से शब्द यूज हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसमें शब्द डाल सकते हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉसितुरा एसोसिस. ये कहता है कि आपको अगर कोई लॉ का मीनिंग निकालना है, जैसे कि आर्म्स एंड वेपन है, तो उसके अंदर आप किसी भी किस्म के वेपन डाल सकते हो. तो ये बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन है. इसकी नैरो इंटरप्रिटेशन एजुस्डम जनरिस होती है, अभी मैं बताने वाला. अगला क्वी फेसित पर एलियम फेसित पर से. ये कहता है कि अगर एक प्रिंसिपल एक एजेंट को हायर करता है तो एजेंट जो काम प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है ना, वो एक्चुअली में प्रिंसिपल कर रहा है. एजेंट तो उसका सिर्फ एक आईना है. एजेंट तो सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पे जाके काम कर रहा है. एजेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है. एजेंट को अपना पैसा मिलेगा, वो खुश रहेगा. काम वो किसके लिए कर रहा है? प्रिंसिपल के लिए कर रहा है ना. तो इसीलिए कहने के लिए तो काम एजेंट करेगा, मगर जिम्मेदारी किसकी? प्रिंसिपल की. कहने के लिए तो परफॉर्मेंस एजेंट करेगा, मगर ये काम किसका माना जा रहा है? प्रिंसिपल का काम माना जा रहा है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वी फेसित पर एलियम फेसित पर से. कि जो किसी दूसरे से काम अपना करवाता है, कानून मानता है कि वो खुद ही वो काम कर रहा है. पॉइंट समझ में आया? कि अगर मैं अपने भाई को कोई काम दे दूं तो अगर वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है तो मेरा भाई काम नहीं कर रहा कानून की नजर में, मैं खुद काम कर रहा हूं. हाँ जी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं. वाइकेरियस लाइबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल. तपस्या, वाइकेरियस लाइबिलिटी मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ाऊंगा, अभी मैं मैक्सिम हूं ना इसलिए मैं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग होता है तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है. ये सिंपल डेफिनेशन है. आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 68 से 72 के बीच में ये मेंशन है. जैसे कि आपका अगर आपने किसी का लीगल एक्सपेंस खरीदा तो आप उससे पैसा ले सकते हो. अगर गलती से कोई गुड्स आप किसी दूसरे के घर चला गया तो आप अपना सामान वापस ले सकते हो.
अगर आपने किसी को पैसा आपका गलती से डिलीवर हो गया तो आप उससे ले सकते हो, ये सारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे प्रॉपर ऑफर नहीं होता, प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉपर एसेंशियल मिसिंग होते हैं, मगर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं इक्विटी के ऊपर कि फेयर, ये फेयर है, ये गुड है, ये रीजनेबल है कि अगर किसी ने आपका खर्चा किया तो आपको उसको पैसा वापस देना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी मतलब विच इज नॉट कंप्लीट, वो अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. डेफिनेशन देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विच लैक्स द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगला, रेस इप्सा लोकितुर. रेस इप्सा लोकितुर का मतलब होता है द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव में ये आएगा और ऑप्शन के अंदर कि चीजें अपने लिए खुद बात करती हैं. मैं एग्जांपल देता हूं, नेग्लिजेंस का केस. डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर गए, वहां पे एक पेशेंट की सर्जरी चल रही थी, डॉक्टर साहब ने सर्जरी करी और बस टॉवेल और एक मोबाइल फोन सर्जरी करते वक्त वो इंटेस्टाइन में ही छोड़ गए. डॉक्टर साहब थोड़ा भूल गए, डॉक्टर साहब की ड्यूटी टू केयर थी, ब्रीच ऑफ केयर का, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी और सामने वाले को इंजरी हो गई. सामने वाला व्यक्ति, उसके जब मोबाइल रिंग हुआ इंटेस्टाइन के अंदर, तब उसे याद, अच्छा डॉक्टर साहब का फोन रह गया अंदर, ओ शिट, अब तो दोबारा जाना पड़ेगा मेरे को ऑपरेशन थिएटर. तो यहाँ पे चीजें अपने आप में यह बयान कर रही है कि डॉक्टर साहब नेग्लिजेंट है. तो इस यहाँ पे जो मैक्सिम लगता है वो है रेस इप्सा लोकितुर, कि जहां पे सिचुएशन देख के आपको अपने आप वहां पे दिख जाए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या सच्चाई है. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रेस इप्सा लोकितुर, की चीजें अपने आप बयान करे कि डॉक्टर साहब का पेट में, इंटेस्टाइन में वो फोन छोड़ना, ये इस चीज का क्लैरिटी देता है कि डॉक्टर साहब नेग्लिजेंट थे. यहां पे क्या लग गया, रेस इप्सा लोकितुर. अगला, रेस जुडिकाटा. मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रिपब्लिके वाला मैक्सिम. अभी रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर एक कोर्ट ने को मैटर डिसाइड कर लिया तो उस सेम मैटर पे दोबारा दूसरे कोर्ट में को मैटर नहीं किया जाएगा. सेक्शन 11 सीपीसी रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है. लेकिन यहां अपील की बात नहीं कर रहा, आप अपील कर सकते हो, सेम लेवल की कोर्ट में नहीं कर पाओ. पॉइंट समझ रहे हो, यहां पे मैटर आप हार गए जीत गए, आपने अपील करना है कर दो, अपील ऊपर चले जाओ अपील कर दो, मगर सेम लेवल की कोर्ट में दोबारा कोर्ट अगर केस करोगे दैट विल अमाउंट टू एन एंडलेस लिटिगेशन. कभी केस खत्म ही नहीं होगा. ऐसे तो फिर आज यहां नहीं जीते, कल तीसदारी में नहीं जीते, चलो कर्कटडूमा में कर दो, कर्कटडूमा में नहीं जीते द्वारका में कर दो, द्वारका में नहीं जीते पटियाला हाउस में कर दो. ऐसे तो फिर कभी केस ही नहीं खत्म होगा. अपील आप कर सकते हो, अपील आपका राइट है, मगर रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर एक सेम इशू पे मैटर डिसाइड हो चुका तो आप उस केस के अंदर उसको दोबारा रेज नहीं कर सकते. यहां पे जिस दिन डिसीजन हुआ है वो डेट इंपॉर्टेंट होती है. अगला है रेस सबजुडिस. एक जगह एक कोर्ट ए में ऑलरेडी केस हो गया है और कोर्ट बी में आपने सेम मैटर पे दोबारा केस कर दिया, तो कोर्ट बी में एक पार्टी बोलेगी कि साहब यहाँ केस तो चल रहा है तो इस वाले केस को सस्पेंड कर दिया जाएगा. यहाँ पे कौन से वाला केस सस्पेंड होगा, जो बाद में फाइल हुआ है. तो इसीलिए यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग इंपॉर्टेंट है. आपने एक केस 15 मई को फाइल किया, एक केस 15 जून को फाइल किया, तो 15 जून को अगर सेम मैटर पे किया तो ये सस्पेंडेड रहेगा जब तक इस पे फैसला ना आ जाए, और इस पे फैसला आ गया तो इसका फैसला इस पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये सेम इशू पे बात करते थे, सेम पार्टीज के बीच में बात करते थे. इसको कहते हैं रेस सबजुडिस. और ये दोनों कॉन्सेप्ट, जुडिकाटा और सबजुडिस वाले, वो इंटरेस्ट रिपब्लिके वाला जो मैक्सिम था ना उसमें लगता है, उसके रिगार्डिंग अप्लाई होता है कि हमें जो लिटिगेशन है ना उसको एंडलेस नहीं चलाना, हम उसे खत्म करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, हमें कोर्ट का टाइम यूज करना है, बहुत प्रेशियस टाइम है कोर्ट का. अगला, स्पेशलिया जनरालिबस डेरोगेंट. स्पेशलिया जनरालिबस डेरोगेंट ये कहता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ बना है और उसी चीज पे कोई जनरल लॉ भी है तो हम स्पेशल वाले को ऑप्ट करेंगे. जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, बिजली की चोरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना हुआ है, तो अगर आप बिजली की चोरी करते हैं तो आपको सिंपल चोरी सेक्शन 379 के अंदर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, आपको बिजली की चोरी के अंदर दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर दी जाएगी. महालक्ष्मी स्पिनिंग लिमिटेड का ये जजमेंट है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का 2007 के, जिसमें यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोला कि अगर किसी चीज पे स्पेशल लॉ ऑलरेडी बना हुआ है और आप जनरल लॉ भी है, जैसे चोरी पे जनरल लॉ है, हर किस्म की चोरी 379 के अंदर पनिशेबल है, तो वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर लो ना, यहाँ पे इंडियन पिनल कोड में लाने की क्या जरूरत है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलिया जनरालिबस डेरोगेंट. स्पेशल लॉ विल प्रिवेल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
वॉइस अभी ब्रेक हो रही है, आई होप नेटवर्क तो यहाँ पे फुल आ रहा है एक्चुअली में। हाँ जी, ओबी जस्ट इवी रेमेडियम, ये कहता है कि जहां पे राइट होता है वही रेमेडी होती है। अगर आपका किसी चीज में राइट ही नहीं है तो आप वहां पे कोई रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। राइट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। ओबी जस्ट इवी रेमेडियम, रेमेडी वही एग्जिस्ट करेगी जहां पे आपका राइट एग्जिस्ट करेगा, जहां पे लॉ एग्जिस्ट करेगा जो आपको राइट प्रोवाइड करे। टॉर्ट के अंदर मैं इस पे केसेस भी कराऊंगा आपको। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, अट रेस मेजिस वेलियत क्वाम पेरियत, अत रेस मेजिस विलियत क्वाम पेरियत। ये कहता है कि जब कभी भी किसी लॉ की दो इंटरप्रिटेशन हो तो हम कोशिश करें कि हम वो इंटरप्रिटेशन ले जिससे लॉ इफेक्ट में आ सके, ना कि लॉ वॉइड हो। मतलब कि हम कोशिश, हम ये मान के चलते हैं कि अगर लॉ में कुछ इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो लॉ, ये लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ना, वो प्रिज्यूम करी जाती है। अगर एक लॉ बकायदा पार्लियामेंट ने पास किया है, अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द लॉ इज प्रिज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। उसको पहले से अज्यूम किया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड है, क्योंकि पार्लियामेंट ने बकायदा एक ड्यू प्रोसेस के साथ उसको पास किया है। तो ये वाला जो मैक्सिम है कि अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट किसी दो चीज में हो जाए तो हम कोशिश ये करेंगे कि कानून को अप्लाई किया जाए, ना कि कानून को खत्म, कोशिश ये करी जाती है जो हमें इफेक्ट देना है। ये वाला मैक्सिम यही कहता है कि अगर दो कंस्ट्रक्शन है, दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो हम उस मीनिंग को असर देंगे, हम उस मीनिंग को ऑप्ट करेंगे जहां से प्रोविजन चले, ना कि वो मीनिंग जहां से प्रोविजन ही इन ऑपरेटिव हो जाए। पॉइंट समझ में आया? तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो कानून अभी तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हुआ तो हम उसको ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द मैक्सिमम, अट रेस मेजिस वेलियत क्वाम पेरियत। नाउ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, आपने अगर अपनी हार्म के लिए कंसेंट किया हुआ है तो आप हमें कुछ मत बोलिएगा, आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने अपनी हार्म के लिए कंसेंट किया है, आप स्टेडियम में बैठे हैं, बॉल आपके सर पे आगे लगी, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस चीज के लिए वॉलंटरी कंसेंट दी है। तो कल को आपको इंजरी होती है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप एक फॉर्मूला वन रेसिंग कार के स्टेडियम में बैठे, फॉर्मूला रेसिंग कार उड़ के एक्सीडेंट हुआ, आपके सर पे से निकल गई, आपको हेड इंजरी हो गई, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अगला, एजुस्डम जनरिस, मैंने आपको अभी एक नोसितुरा सोसिस बताया था जिसमें मैंने बोला था कि बहुत वाइडर डेफिनेशन होती है जो एजुस्डम जनरिस है, इसकी बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन है। ये कहता है कि लेट सपोज हमें एक लॉ को इंटरप्रिट करना है, फॉर एग्जाम्पल लॉ के अंदर क ख च क ख, अरे यार क ख ग घ होता है ना, हाँ ठीक, क ख ग घ करके चार चीजें लिखी और डॉट 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 एटसेट्रा 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 लिखा, तो ये जो एटसेट्रा है ना, इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि ये जो अभी व्यंजन चल रहे हैं, इस व्यंजन को कंटिन्यू रखा जाए। इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं होगा कि आगे 1 2 3 4 लिखा होना चाहिए, नो, क्योंकि हम पीछे क्या क्लास ऑफ वर्ड्स है, हमें वहां से आगे का मीनिंग डिराइव करना है। तो एजुस्डम जनरिस सिर्फ इतने पे रिस्ट्रिक्टेड है कि आप वो किस क्लास ऑफ वर्ड्स में फॉल करता है, वहां से उसका मीनिंग निकालो। मगर नोसितुरा सोसिस कहता है कि आप क्लास मत देखो, आप ये देखो कि मीनिंग कितना बढ़िया निकल सकता है, इंटरप्रिटेशन कितनी बेटर निकल सकती है, वो करो। मगर एजुस्डम जनरिस थोड़ा नैरो है, नोसितुरा सोसिस थोड़ा वाइडर है, ध्यान रखना। अगला, साइन क्वानन, साइन क्वानन मतलब होता है जो एसेंशियल हो। जैसे कि आपका डीयू एलएलबी के अंदर एग्जाम में बैठने के लिए आपका ग्रेजुएट होना एसेंशियल है ना, या फाइनल ईयर में होना एसेंशियल है, दैट इज अ साइन क्वानन, कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। अगर आपने ट्वेल्थ पास करी है तो आप डीयू के एलएलबी के एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं हो या फाइनल ईयर में नहीं हो, बिकॉज दैट इज अ साइन क्वानन। अगला, अब अगले 5 रिट मुझे आपको कराने, हेबस कॉर्पस आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है तो आर्टिकल 32 और 226 में रिट इशू होता है, और वहां पे जज उस एक ऑर्डर पास करता है हेबस कॉर्पस का, उस बंदे को तुरंत छोड़ने के लिए, उस बंदे को तुरंत आजाद करने के लिए। हाँ जी, प्रोड्यूस द बॉडी, बिल्कुल, ये आप लोगों को आइडिया होगा, बस मैंने वर्डिंग का रिवाइज करने के लिए यूज इस्तेमाल कर दिया। मैंडमस, सिंपल।
मैंडमस का सिंपल मतलब क्या है? वी कमांड। कोर्ट ऑर्डर देती है या तो अदालत को या तो किसी पब्लिक अथॉरिटी को या किसी कॉरपोरेशन को, कहती है कि ये पब्लिक ड्यूटी आपकी है और आपको करनी है। जैसे कि पेंशन ऑफिस पेंशन रिलीज नहीं कर रहा साहब मेरा, मेरे सारे कागज पूरे हैं, मैंने ये मैंडमस की रिट के लिए अप्लाई कर दिया, पेंशन ऑफिस को एक रिट जाएगी मैंडमस की, तुरंत मेरी पेंशन रिलीज हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरा लीगल राइट है तो फिर पब्लिक अथॉरिटी को वो देना पड़ेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिलीज करना पड़ेगा। अगला सर्शोर अराइव, अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी डिसीजन में कोई गलती कर देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू लेके उसको रेक्टिफाई करने का काम यहां पे होता है, ठीक है यहां पे। लेकिन जब वो ऑर्डर या डिसीजन ले लेती है तब उसको हम रेक्टिफाई करने का काम करते हैं। हां जी बिल्कुल, टू रेक्टिफाई। अगला है, ये आप लोगों को आइडिया हो गई आई होप, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का रिट जब ये इशू करती है, चाहे वो कोर्ट को इशू करे चाहे वो क्वासी जुडिशियल बॉडी को इशू किया जाए, तो वहां पे उसको कोई प्रोसीडिंग अगर वहां पे चल रही है लोअर कोर्ट के अंदर, तो उस प्रोसीडिंग को स्टॉप करा दिया जाता है कि अभी इस प्रोसीडिंग को मत करो। पॉइंट समझ में आया? उस प्रोसीडिंग को चलिए आप अभी फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्या रीजन हो सकता है? ज्यूरिसडिक्शन नहीं है साहब, बिना ज्यूरिसडिक्शन के आप उस प्रोसीडिंग को चला रहे हो तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कोर्ट में रिट फाइल करूंगा, रिट के लिए फाइल करूंगा और बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से 32 में, हाई कोर्ट से 226 में, कि साहब एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन जरा इशू कर दो और उस लोअर कोर्ट को या क्वासी जुडिशियल बॉडी को बोलो कि फर्दर को प्रोसीडिंग ना कंडक्ट करे। अगला को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट या बाय व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप यहां पे क्यों बैठे हो, किस हक से बैठे हो, दैट इज कॉल्ड को वारंटो। को वारंटो को हम कैसे यूज करते हैं? को वारंटो को हम यूज ऐसे करते हैं कि अगर कोई बंदा किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस केस के अंदर हम को वारंटो की रिट फाइल करेंगे। जैसे कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज के लिए को एलिजिबिलिटी है कि 7 साल की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर उसकी 7 साल की प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आप को वारंटो रिट देके फाइल करके हटवा सकते हैं उसको। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई एलिजिबिलिटी है और वो एलिजिबिलिटी पे पूरा नहीं है फिर भी उन्हें अपॉइंट कर लिया गया, आप रिट फाइल करके हटवा सकते हो। अगर चीफ मिनिस्टर की कोई एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबल नहीं है, आप उनको हटवा सकते हो। कौन सी रिट से? को वारंटो की रिट से। अगला ex eco et bono, ये इंटरनेशनल लॉ और आर्बिट्रेशन का मेन कॉन्सेप्ट है ये, कि आपस में हम लोग गुड और इक्विटेबल और फेयर सेटलमेंट कर लें। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन इज अ अल्टरनेट कोर्ट प्रोसीडिंग, तो वहां पे हम करते क्या है, जो गुड और इक्विटेबल सेटलमेंट होती है ना, हम उस पे आ जाएं, जो आपस में दोनों का फायदा हो, जिससे दोनों को बेनिफिट हो, दोनों पार्टीज को फायदा हो, दैट इज कॉल्ड एक्स इको एट बोनो, कि जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों का फायदा निकले और दोनों के फेवर में काम हो। ये इंटरनेशनल लॉ में भी यूज होता है, आर्बिट्रेशन लॉ में भी ये वाला लीगल मैक्सिम यूज होता है, एक्स इको एट बोनो। अगला इन एसे, जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ना इंटर विवोस ट्रांसफर होता है, कि प्रॉपर्टी कभी भी जो ट्रांसफर करी जाएगी हमेशा लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करी जाएगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। हाँ जी सिलेक्शन एंड गवर्न, ठीक है सबका सही है, सबका सही है। मेरे पास टाइम अब लिमिटेड बचा है इसलिए मेरे को जल्दी खत्म करना है इस चीज को, थोड़ा सा ही रह गया आप लोगों का। हाँ जी इन ऐसे का मतलब होता है कि जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती है, मैंने बोला मैं अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, मेरा बेटा है, तो वो हम कहेंगे जो ट्रांसफर हुआ है वो इन ऐसे ट्रांसफर किया गया, असली में मेरा बेटा एग्जिस्ट करता है। मगर अगर मेरा बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, वो पैदा नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा इन पॉसे। इन पॉसे मतलब वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं अपने बेटे को ट्रांसफर कर रहा हूं जो है ही नहीं दुनिया में, तो वो वैलिड ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है ना वो हमेशा इंटर विवोस होती है। तो वहां पे उसका दूसरा तरीका है कि अनबॉर्न चाइल्ड के लिए हम कैसे प्रॉपर्टी को भेजते हैं, हम किसी को दूसरे को प्रॉपर्टी दे देंगे, वो फर्दर मेरे अनबॉर्न चाइल्ड को आगे ट्रांसफर कर सकता है, वो तरीका है। मगर इन ऐसे का मतलब जो चीज एग्जिस्ट कर रही है रियलिटी में, इन पॉसे जो रियलिटी में नहीं है। अगला लोकस स्टैंडाई, पीआईएल के रिगार्डिंग ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूज होता है, कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। अगर मेरे और मेरे फादर के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, तीसरा बंदा आके एडवाइस करेगा, मैं बोलूं भाई तू है कौन, इसलिए मेरे और मेरे फादर के बीच में लड़ाई हो रही है ना, तो दैट इज द लोकस स्टैंडाई। अगर कोर्ट में आपको केस लेके जाते हो तो कोर्ट आपसे पूछता है आप किस अथॉरिटी में, किसके बिना पे आए हो, कौन हो आप,
क्या आप डायरेक्ट पार्टी हो, क्या आपका कोई इंटरेस्ट है, क्या आपका कोई लीगल राइट है उस चीज में। अगर है तभी आपको एंटरटेन करने देंगे। जैसे PIL की बात करूं मैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, तो वहां पे एक व्यक्ति जो PIL फाइल करता है वो कईयों के बिहाफ पे काम करता है, तो उसका लोकस स्टैंडाई होता है, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है वो चीज, तो उसका लोकस स्टैंडाई होता है। उसके एक एक्शन से 10 लोगों का भला हो सकता है, तो उसका लोकस स्टैंडाई होता है। तो लोकस स्टैंडाई में कोर्ट पूछती है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर कमिंग टू दिस कोर्ट, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, हमें ये बताओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका है ठीक है आप आ सकते हो, लेकिन आपका रिश्तेदार क्यों आया केस करने के लिए, वो तो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता। अगला ऑट्रे फोइस एक्विट, ये कहता है कि एक व्यक्ति को अगर छोड़ा जा चुका है, एक्विट किया जा चुका है, तो उसको दोबारा सेम ऑफेंस के लिए हम नहीं ट्राई करेंगे, हम उसको दोबारा उसको सेम ऑफेंस के लिए नहीं ब्रिंग इन करेंगे। ये कहता है ऑट्रे फोइस एक्विट, ये सेक्शन 300 में आपका मेंशन है, ध्यान रखना। और आर्टिकल 22 भी इसके रिगार्डिंग बात करता है कि नो पर्सन शैल बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का 20 क्लॉज 2 मतलब। और सेक्शन 300 सीआरपीसी इसके बारे में बात करता है, ऑट्रे फोइस एक्विट, एक बार एक्विट हो गया दोबारा सेम चार्ज पे आपको नहीं ट्राई किया जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट ऑट्रे फोइस कन्विक्ट, एक बार सजा हो गई ना किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो दोबारा उस चीज पे आपको नहीं ट्राई किया जाएगा। एक बार छूट गए थे तो भी नहीं फंसोगे सेम ऑफेंस पे दोबारा, एक बार अगर ट्राई हो चुके हो, कन्विक्ट हो चुके हो, सजा काट चुके हो, तो दोबारा आपको नहीं फंसाया जाएगा उस पे, सेम सेक्शन 300 और आर्टिकल 20 क्लॉज 2। डबल जियो पार्टी, हां जी मैं उस पे भी आ रहा हूं, उसका भी लीगल मैक्सिमम मैंने मेंशन किया हुआ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अपने आप में सफिशियंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रख ले, कल को नौकरी वोकरी में काम आता है फिर, मतलब जो पुलिस जो इशू करती है जिसकी तुम बात कर रहे हो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस, कि कानून के अंदर मेंशन है कि जो व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही उस टाइम पे भारत का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा, इसका राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, कि क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हो इसीलिए आप चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो। कल को दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आएगा, दूसरा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा, कल को तीसरा वाइस प्रेसिडेंट आएगा, तीसरा राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब क्योंकि आपको, आपने ये पद संभाल रखा है इसकी वजह से आपको दूसरा पद मिल रहा है, आपके पास ये पद नहीं रहेगा तो दूसरा पद भी नहीं मिलेगा। जैसे कि नीति आयोग का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, पॉइंट समझ में आया मेरा, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर हो, तो जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है वही नीति आयोग का हेड बन जाएगा। तो इसको कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, एक्स ऑफिशियो। अगला इन लिमाइन, जब हम एविडेंस का ट्रायल वगैरह शुरू होने से पहले जब हम बिगनिंग के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं, एक रिक्वेस्ट लगाते हैं कई बार, दैट इज कॉल्ड इन लिमाइन, ट्रायल वगैरह शुरू होने से पहले स्टार्टिंग के स्टेज में ही जब हम रिक्वेस्ट लगाते हैं। अगला है परजरी, झूठी गवाही देना कोर्ट में, झूठा स्टेटमेंट देना, सजा मिलेगी आपको सेक्शन 193 आईपीसी, परजरी, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, गलत इंफॉर्मेशन कोर्ट में देना, चाहे स्पोकन में बोल के देना, चाहे लिख के देना, ऑफिशियल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग देना, फंस गए आप झूठी गवाही के केस में, 7 साल तक की जेल हो जाती है इसमें। परजरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। एक्स्ट्राडिशन, अभी हाल फिलहाल में विजय माल्या को लंदन से लाने की बात चल रही है, विजय माल्या केस हार चुका है कोर्ट ऑफ अपील में। तो एक्स्ट्राडिशन एक ऐसा एक सिस्टम है जहां पे अगर एक व्यक्ति यहां क्राइम करके, इंडिया में क्राइम करके कल को इंग्लैंड भाग गया, तो अगर हमने इंग्लैंड के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो हम उस व्यक्ति को दोबारा अपने अदालत में लाके उसका ट्रायल कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया मेरा? जैसे अगर आपको ध्यान हो तो अबू सलीम नाम का एक बंदा हुआ करता था जिसको हम पुर्तगाल से लाए थे, कहां से? पुर्तगाल से, और वहां से फिर लाके हमने उसको यूपी में उसका ट्रायल कराया। पॉइंट समझ में आया मेरा? लेकिन वहां पे पुर्तगाली गवर्नमेंट ने शर्त लगाई थी कि आप इसको मौत की सजा नहीं दे सकते, इसीलिए उसको हमने अभी तक डेथ पनिशमेंट नहीं दिया, हालांकि उसका भी ट्रायल चल ही रहा है। अगला लिस्ट पेंडेंस, लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है कि लिस्ट मतलब होता है केस या सूट, पेंडेंस मतलब होता है पेंडिंग। जब आपका कोई सूट पेंडिंग है साहब, तो उस टाइम पे आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, और अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो
तो वो वैलिड नहीं होगी। अगर आपका कोई केस पेंडिंग है तो आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। अगर आपने उस लिटिगेशन के चलने के दौरान कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड नहीं कहलाएगी। दैट इज कॉल्ड लिस्पेंडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, सेक्शन 52, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लिस्पेंडेंस क्या है? लिस्ट पेंडिंग मतलब कि जो सूट है अभी तक चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, आप उस बीच में प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। दैट इज रॉन्ग। स्टे डिसाइसिस, कोर्ट जब कोई प्रेसिडेंट सेट करता है कोई जजमेंट के अंदर, कोई लॉ लेट डाउन करता है, तो अगला जो अगर सेम केस उस मैटर पे आए तो उस पे हमें उसी फैसले पे रहना है जो पिछले कोर्ट ने दिया था। दैट इज कॉल्ड स्टे डिसाइसिस। इसका मतलब होता है टू स्टैंड बाई वॉट इज डिसाइडेड। जो पहले फैसला हो चुका है उस फैसले पे अटल रहना, उस फैसले पे खड़ा रहना, उस फैसले पे डटा रहना, दैट इज कॉल्ड स्टे डिसाइसिस। इवन कि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाती है तो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। तो स्टे डिसाइसिस कहता है कि जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है ना, जो लॉ लेट डाउन हुआ है, तो अगर सेम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आगे आते हैं तो वो लॉ लेट डाउन आपको अप्लाई करना है अगली जजमेंट में भी, उस अगले आने वाले केस के अंदर भी। दैट इज कॉल्ड टू स्टैंड बाय योर ऑन जजमेंट। जो आपने डिसाइड किया ना उसके साथ खड़े रहो, पहले जो डिसाइड किया है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। अगला, लेटरलेजिस, लेटर्स ऑफ द लॉ। हमारा जो बेयर एक्ट होती है, जो कानून पास करती है पार्लियामेंट, जो वो सारा लेटरलेजिस है, लेटर ऑफ द लॉ। कोई इंस्ट्रूमेंट है कानून का, कोई एग्रीमेंट है कानून का, तो रिटेन एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कोर्ट ने अप्रूव कर रखा है, सारे लेटर्स ऑफ द लॉ है, उसको हम लिटरलेजिस बोलते हैं। सुओ मोटो, सीआरपीसी के सेक्शन 191C के अंदर ये चीज मेंशन है कि मजिस्ट्रेट खुद से भी कॉग्निजेंस ले सकता है, उसको कहते हैं सुओ मोटो। जब हम खुद से ही कोई केस टेकअप कर लेते हैं ना, कि जैसे हाईकोर्ट ने सुना कि कोर्ट दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हाईकोर्ट ने खुद से ही कॉग्निजेंस ले ली कि हाँ भाई दिल्ली सरकार बताओ क्या क्या कर रहे हो आप पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दैट इज कॉल्ड सुओ मोटो, ऑन योर ऑन, एन एक्शन टेकन ऑन योर ऑन। हाईकोर्ट कई बार सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है और सरकारों से पूछता है कि बताओ आपने क्या क्या किया है कंट्रोल करने के लिए। अगला है वक्फ। जब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, मुस्लिम लॉ के अंदर है, हिंदू लॉ नहीं, मुस्लिम लॉ, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, पायस पर्पस के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को दे देते हैं तो वो हमारा कहलाता है वक्फ, डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द मुस्लिम लॉ, ठीक है। इसके लिए इंडिया में वक्फ बोर्ड भी है जो कि 1964 में बना था, और कानून कौन सा था, वक्फ एक्ट, ध्यान रखना। इस वाले कानून के अंदर हम ये वाला बोर्ड बनाया था 1964 में, ठीक है। वक्फ से रिलेटेड एक और वर्ड है, मुस्लिम लॉ में जब कराऊंगा मैं आपको बता दूंगा। मुतावली, वक्फ के मैनेजर को मुतावली कहा जाता है, जो कि प्रॉपर्टी का टेक केयर करता है। अब बात आती है क्या इस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, नहीं, इस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, इस प्रॉपर्टी से कोई राइट ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को रखा ही धार्मिक पर्पसेस के लिए गया है, इसलिए इसको फर्दर किसी दूसरे को नहीं दिया जाता। हालांकि मुतावली के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ ट्रस्टी की तरह उसको ध्यान रखता है, उस प्रॉपर्टी को संभालता है, उस प्रॉपर्टी को टेक केयर करता है, और कुछ नहीं करता मुतावली। अगला है पर इंक्वायरियम। दो बार मिलेगी पनिशमेंट, एक ही ऑफेंस की दो बार नहीं, हाँ जी, दोबारा करेगा तो बिल्कुल दो बार मिल जाएगी, तिवारा करे तीन बार पनिशमेंट मिलेगी, एक ऑफेंस की दो बार नहीं दे सकते, डबल जियोपार्टी, बिल्कुल सही। पर इंक्यूरियम, बस 5 मिनट्स में मैं आपका रैप कर देता हूं। पर इंक्यूरियम का मतलब होता है कि जब कभी भी कोर्ट अपनी पुरानी जजमेंट के अंदर किसी किस्म का लॉ को अप्लाई करना भूल गया, जब कभी भी कोर्ट अपनी पुरानी जजमेंट के अंदर किसी लॉ को अप्लाई करना भूल गया, तो उस केस के अंदर वो हम पर इंक्यूरियम कहते हैं कि हम उसको ठीक कर देते हैं अगली जजमेंट में। लेट सपोज एक जजमेंट था जिसके अंदर कोर्ट एक ऑर्डर लॉ को अप्लाई करना था, कोर्ट ने उस लॉ को अप्लाई नहीं किया और जजमेंट पास कर दी, तो अगली कोर्ट में जब हम अपील वगैरह करेंगे तो कोर्ट बोलेगा हाँ जी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे प्रोविजन ऑफ लॉ अप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे गलती हुई है, तो अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जाएगा। कैसे सुधारा जाएगा, क्यों सुधारा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस कोर्ट ने को गलत जजमेंट पास कर दी थी, ठीक है। अगला, पैरोल। जब आपका कन्विक्शन हो जाता है, मतलब आपको सजा हो जाती है, उसके बाद जब आप अदालत मतलब जेल से निकलते हो ना कुछ टाइम के लिए बाहर,
तब वो पैरोल कहलाता है, मगर जब आपका ट्रायल चल रहा है और तब आपको आजादी मिलती है तो वो बेल कहलाता है। ध्यान रखना, बेल आपका कन्विक्शन से पहले ग्रांट होता है, पैरोल आपका कन्विक्शन के बाद ग्रांट होता है। आपको सजा हो गई, आप जेल काट रहे हो, तब आपको पैरोल पे छूटे हो। संजय दत्त पैरोल पे छूट रहा था जब उसको सजा हो गई, लेकिन अगर स्टार्टिंग में जब उसका ट्रायल चल रहा था तो वो बेल पे छूट रहा था। फर्क है दोनों में, पैरोल और बेल अलग अलग चीजें। अगला, नेमो देवेत बिस वेक्सारी, नेमो देवेत बिस वेक्सारी, सेम डबल जियो पार्टी। एक व्यक्ति को दो बार आप ट्राई नहीं कर सकते। ऑट्रेफोइस एक्विट, ऑट्रेफोइस कन्विक्ट, सेक्शन 300 सीआरपीसी। और ये वाला मैक्सिम भी आपको याद रखना है, नेमो देवेत बिस वेक्सारी। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है कि एक व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए दो बार आप ट्राई नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन उसका अधिकार आपको नहीं देता। अगला, बस खत्म ही होने वाला है, नेमो तेनेतुर सियप्सम एक्यूजारे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हमें एक प्रोटेक्शन देता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम ऐसा बयान देने के लिए मजबूर नहीं है जिससे हम खुद फंस जाएं। इनक्रिमिनेट मतलब होता है खुद को फंसाना। आप ऐसा बयान एविडेंस में देने के लिए कोई मजबूरी नहीं आपके ऊपर जिसमें आप खुद के खिलाफ कुछ बोलें, खुद को फंसाएं। तो वो प्रोटेक्शन आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देता है, उसी का ये मैक्सिम है, नेमो तेनेतुर सिप्सम एक्यूजारे, नो वन इज बाउंड टू इनक्रिमिनेट हिमसेल्फ, राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। नाउ हियर इट एंड्स, आपका रैप हो गया है। संजय दत्त परोल, सलमान खान बेल। हाँ जी बिल्कुल। तो आई होप आपका, मैंने सारा लीगल मैक्सिम का जो एरिया है और आपका जो लीगल वोकैबुलरी वाला एरिया था वो मैंने आपका सारा कवर करा दिया है। हाय गुड इवनिंग सर, महक है। हाँ जी मैम। गाइस प्लीज डोंट लीव, आई नीड टू टॉक। थैंक यू सर, इट वॉज अमेजिंग। आई थिंक आप लोगों को मैगजीन्स पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? मैगजीन याद करने में ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, इसका PDF हमने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ ग्रुप में। नहीं, इतना इनफ नहीं होगा आयुषी, पढ़ना तो और पड़ेगा, लेकिन ये पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि मैगजीन्स को याद कैसे रखना है। इससे अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, बेसिक मिल जाएगा, लेकिन एनफ तो कुछ भी नहीं है। एनफ तो जीके जितना पढ़ाया जाएगा वो भी नहीं है, करंट अफेयर जितना पढ़ाया जाएगा वो भी नहीं है, बिकॉज मैं, भानु सर, पुनीत सर, कोई भी नहीं बता सकता कि पेपर में। हम लोग सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, अपनी जान लगा सकते हैं, राइट? ठीक है, सो आई थिंक कोई ऐसा नहीं है जिसने की डायरेक्शन आज का वीडियो मिस किया हो। आई कैन ट्रस्ट यू ऑल, राइट? सबने देखा है वीडियो, सबने क्वेश्चंस करे, सबने असाइनमेंट सॉल्व करा है, राइट? ठीक है, गुड। तो अभी हम लोग मिलते हैं 9 बजे क्विज के लिए। चलो, सी यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।